फ्रेंड्स नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल मंडे एग्जाम टारगेट पर। जैसा कि आप सभी को पता है, आप सभी की रात 10 बजे क्लास स्टार्ट होती है, जिसमें हम लोग इस समय कवर कर रहे हैं एससीईआरटी, जो सरकारी स्कूलों में किताबें चल रही हैं उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, वहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन। तो आपको इस वीडियो में संविधान, इतिहास, भूगोल सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के क्लास को स्टार्ट करते हैं। आप लोग मंडे एग्जाम टारगेट के टेलीग्राम लिंक से भी जुड़ सकते हैं। तो टेलीग्राम है वनडे, वन के बाद आपको एक अंक लिखना है, एक वन, वनडे एग्जाम टारगेट ये डालेंगे तो आपको टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगी। तो चलिए फटाफट से आप सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिए, एकदम से लाइक और शेयर करते रहिए, फटाफट से लाइक और शेयर करते रहिए। अपने लाइक का नंबर बताएंगे जल्दी जल्दी से। सुबोध कुमार, थैंक यू सो मच, बहुत बढ़िया। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। उषा त्रिपाठी, बहुत बढ़िया, गुड आफ्टरनून। मुझे तो लगा मॉर्निंग हो चुका है। क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पर, भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार लिया गया है कहाँ से? इटली के संविधान से, कनाडा, फ्रांस या फिर यूएसए? विकल्प कौन सा सही होगा भाई, किस विकल्प की तरफ बढ़े? क्या बात है, जोरदार जबरदस्त जिंदाबाद क्लास को बनानी है। आप लोगों का कमेंट एक बार चेक कर लेते हैं, फिर उसके बाद से आगे बढ़ते हैं। राइट, तो भाई यहाँ पर आपका जवाब आ चुका है, बहुत सारे बच्चों ने जवाब दे दिया, तो इसका विकल्प हमारा डी सही हो जाता है, यूएसए। यूएसए के संविधान से लिया गया है, तो विकल्प आपका डी सही हो जाता है। भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ, क्या बोलेंगे आगे, हाँ संविधान से लिया गया है। और जबकि जो उद्देशिका, अगर अच्छा ये चलिए, उद्देशिका का विचार तो आपका यूएसए हो गया, यूएसए हो गया, लेकिन ये बताइए, अगर हम ये पूछें कि उद्देशिका की भाषा कहाँ से ली गई है, उद्देशिका की भाषा, ये अलग क्वेश्चन आपका बनता है। उद्देशिका की भाषा किस संविधान से ली गई है, किस देश से ली गई है, तो ये अलग क्वेश्चन आपका बनता है। कौन सा इसका सही जवाब होगा? विकल्प आपको देते हैं, जापान है, यूएसए है, ऑस्ट्रेलिया है, आयरलैंड है। विकल्प आपका कौन सा सही होगा, फटाफट से आप लोग जल्दी से कॉमेंट सेक्शन में इसको बताइए, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, उत्तर जाना मेरे लिए बड़ा जरूरी है। विकल्प यहां पर हमारा कौन सा सही होगा? तो यहां पर हमारा विकल्प सही हो जाएगा, जानते हैं क्या है, ये विकल्प यहां पर हमारा सही हो जाएगा। एक मिनट, क्लास चल रही है कि नहीं, चेक करना जरूरी भाई। हाँ बिल्कुल सही जवाब है, इसका सही जवाब हो जाता है ऑस्ट्रेलिया है, इसका सही जवाब होता है ऑस्ट्रेलिया है। राइट, अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं बिना किसी देरी के। बहुत बढ़िया, भारतीय राजनीति व्यवस्था में इनमें कौन सर्वोच्च, भारतीय राजनीति व्यवस्था में इनमें कौन सर्वोच्च है, सर्वोच्च स्थान किसका है, सर्वोच्च न्यायालय का, संविधान का, संसद का, धर्म का? विकल्प कौन सा हमारा सही होगा? चलिए भाई जल्दी जल्दी से रिप्लाई करते रहिए आप लोग, शाबाश शाबाश, रिप्लाई फटाफट से। क्वेश्चन, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है, सर्वोच्च आपको बताना है, विकल्प कौन सा आपका सही होगा? तो सर्वोच्च न्यायालय, संविधान है, संसद है, धर्म है, तो इधर हम चलेंगे बी ऑप्शन की तरफ, संविधान हमारा सही हो जाता है। तो देखिए, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में संविधान जो होता है वो सर्वोच्च होता है, ठीक है, सर्वोच्च, सबसे ज्यादा इसमें किसको इंपॉर्टेंस दी गई है, संविधान को दी गई है। यही राज्य व्यवस्था के स्वरूप और उद्देश्य का भी निर्धारण करता है और विभिन्न इकाइयों के सृजन का प्रावधान भी करता है। तो संविधान से ही शासन के सभी अंग, अधिकार और शक्ति प्राप्त करते हैं, ये आप सभी को पता है, इसीलिए इसको सर्वोच्च स्थान दिया गया है, जहां से सारी चीजें हैंडल होती है ना, उसे ही सर्वोच्च स्थान पर रखा जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट है, फटाफट से आप लोग रिप्लाई करते रहिए, एकदम से एनर्जेटिक होकर के, एक्टिव रह करके आपको रिप्लाई करना है, एकदम से मुर्दों की तरह नहीं करना है। क्वेश्चन हमारा अगला है, भारतीय संविधान में राज्य की नीति निदेशक तत्वों की संकल्पना किस देश के संविधान पर आधारित है? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, माइंड में लिखिए या फिर अपने नोट्स में नोट करते चलिए। भारतीय संविधान में राज्य की नीति निदेशक तत्वों की संकल्पना किस देश के संविधान पर आधारित है? फ्रांस है, आयरलैंड है, जापान है, यूएसआर है, यूएसएसआर। तो विकल्प यहां पर हमारा सही हो जाता है, बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल सही, विकल्प बी सही हो जाता है, आयरलैंड, इसका सही जवाब होता है ऑप्शन बी, आयरलैंड है। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना आयरलैंड के संविधान पर आधारित है, और आपको बताते चलते हैं, संविधान में इसे भाग चार में, संविधान के भाग चार में, और अनुच्छेद की अगर हम बात करते हैं तो अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक, 36 से लेकर के 51 तक में ये उपबंधित किया गया है। क्लियर है, जितने पॉइंट आपको हम एक्स्ट्रा बताते चलते हैं आपके दिमाग में फीड होना चाहिए,
एक बार जोरदार तरीके से सभी बच्चे वीडियो को लाइक करेंगे और जल्दी से शेयर करेंगे, जिससे कि सभी लोग जुड़ सके, नहीं तो लास्ट में आकर के कहते हैं कि नहीं मुझे क्लास नहीं मिली थी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया? भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया? 16 भागों में, 22 है, 24 है, 25 है? चलिए भाई जल्दी से, ये टोटल डाटा, टोटल डाटा आपको एससीईआरटी और एनसीईआरटी से दिया जा रहा है। तो भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया है, विकल्प यहां पर हमारा सही हो जाता है। ध्यान से देखिए और रिप्लाई करते रहिए। बहुत बढ़िया, शाबाश। वैसे शाबाशी लाइक रिप्लाई तो आ नहीं रही अभी, आ गई है। चलिए 22 भागों में, विकल्प आपका बी सही हो जाता है, 22 भागों में है। तो भारतीय संविधान को मूलतः कितने भागों में बांटा गया? 22 भागों में बांटा गया, आप सभी जानते हैं और सभी की रिप्लाई भी सही है। तो इसमें जो देखिए बड़े इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट अनुसूच वो है, क्या कहते हैं, भाग है, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए, इसी में देखिए, देखिए मूल कर्तव्य 42वें संविधान संशोधन के तहत 1976 में जोड़ा गया, 1976 ये इसी में है। और आपको यहां पर बताते चलते हैं जो 74वां संविधान संशोधन है 1993, ये नगर पालिका से संबंधित है। कुछ इंपॉर्टेंट आपको बताते चल रहे हैं, सहकारी जो समितियां हैं 97वें संविधान संशोधन से 2011 में जोड़ी गई, और 42वां संविधान संशोधन 1976 भी है, और साथ ही साथ में बहुत सारे हैं जो कि हम आपको थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बताते चल रहे हैं। आगे आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे, आगे देखते हैं। चलिए फटाफट से, बहुत बढ़िया, शाबाश। तो यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में है? समवर्ती सूची में शामिल विषय कौन सा है? समवर्ती सूची में शामिल विषय आपको बताना है कौन सा है, कृषि या शिक्षा है, पुलिस या फिर रक्षा? विकल्प हमारे कौन सा सही होगा? निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में है? तो विकल्प बी सही हो जाता है, शिक्षा जो है समवर्ती सूची में है। आंख मूंद की आपको रिप्लाई कर देनी चाहिए थी। निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में है? तो शिक्षा जो है समवर्ती सूची में आता है। समवर्ती सूची देखिए, भारतीय संविधान में जो संघीय ढांचा होता है ना, उसको मजबूती प्रदान करने के लिए विषयों को केंद्र और राज्य में बांटा जाता है। तो केंद्र और राज्य दोनों के लिए निश्चित कर दिया जाता है कि भाई ये तुम्हें देखना है, ये तुम्हें देखना है। और कोई कोई विषय ऐसा होता है जिसमें कि दोनों को देखना होता है, बड़ा जो इंपॉर्टेंट विषय होता है वो दोनों को देखना होता है। तो अब इनके महत्व के आधार पर ही संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में बांटा गया है। तो शिक्षा प्रारंभ में जानते हैं, शिक्षा प्रारंभ में राज्य सूची में शामिल थी, लेकिन संघ और राज्यों दोनों ने इसके लिए मतलब जो महत्व देखा है, तो इसके लिए संविधान के 42वें, ध्यान दीजिएगा यही आपको बताने वाले थे इसीलिए भूमिका बना रहे थे, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 की धारा 57 द्वारा इसे समवर्ती सूची में डाल दिया गया। ध्यान दीजिएगा 42वें ये संशोधन 1976 का 57 वाली जो धारा है इसके द्वारा इसे समवर्ती सूची में डाल दिया गया। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है, अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, प्रभुता संपन्न, लोक कल्याण? विकल्प हमारे कौन से सही? फटाफट से आप लोग रिप्लाई करते रहिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहां से आपके एग्जाम में पूछा जरूर जाएगा। चलिए फटाफट से रिप्लाई करते रहिए, बहुत बढ़िया, शाबाश। विकल्प यहां पर हमारा कौन सा सही होगा? बहुत बढ़िया, रिप्लाई आ चुकी है, तो यहां पर हमारी रिप्लाई आती है विकल्प डी, लोक कल्याण है। लोक कल्याण भारतीय संविधान की उद्देशिका यानी कि प्रस्तावना में लोक कल्याण शब्द का उल्लेख नहीं है। प्रस्तावना में प्रभुत्व संपन्न है, पंथनिरपेक्ष है, समाजवादी है, लोकतंत्रात्मक गणराज्य, लेकिन लोक कल्याण नहीं है। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, नेक्स्ट है हमारा अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? भाई बहुत बढ़िया, जोरदार तरीके से एकदम से रिप्लाई करते रहिए, बहुत बढ़िया, ढेर सारा आशीर्वाद। भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? बहुत बढ़िया, शाबाश। भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? मूल अधिकार है, नीति निर्देशक तत्व है, उद्देशिका है, या फिर संवैधानिक उपचारों का अधिकार है? बहुत बढ़िया, ये क्वेश्चन इतना ज्यादा पूछा गया, ये अभी तक में जितने क्वेश्चन आप लोगों ने देखे ना, ये सबसे ज्यादा पूछा गया, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप में इसको माइंड में रखिए, ये बड़ा ज्यादा पूछा गया, हर एग्जाम में लगभग इसकी पूछने की जो संख्या मतलब बारंबारता है बड़ी ज्यादा है। तो विकल्प यहां पर हमारा सी सही हो जाता है, जो उद्देशिका है, विकल्प आपका सी सही हो जाता है, बिल्कुल सही जवाब उद्देशिका, राइट। चलिए आपको बताते चलते हैं, यहां पर भारतीय संविधान की उद्देशिका को भारत की
भारतीय संविधान की उद्देशिका को क्या कहा जाता है? भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है। ठीक है। और आपको बताते चलते हैं यहाँ पर, बिल्कुल सही है। अब यहाँ पर आपको एक इंपॉर्टेंट फैक्ट बताते चलते हैं, जो के एम मुंशी थे इन्होंने इसे पॉलिटिकल होरोस्कोप कहा है, राजनीतिक जन्मपत्री कहा है। राजनीतिक जन्मपत्री उद्देशिका को किसने कहा? तो ये आपका उत्तर सही हो जाएगा, के एम मुंशी ने कहा है। क्या कहा है? पॉलिटिकल 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 होरोस्कोप, राजनीतिक जनपत्री। ठीक है, चलिए। अच्छा, आपको बताते चलते हैं एक चीज और, बताते चलते हैं, जो ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार है ना, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा और हृदय कहा है। ध्यान रखिएगा, संवैधानिक उपचारों का अधिकार भीमराव अंबेडकर के द्वारा, भाई भीमराव अंबेडकर के द्वारा ये संविधान की आत्मा और हृदय कहा गया है, ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। संपूर्ण राष्ट्रगान का जो गायन काल है कितना है? संपूर्ण राष्ट्रगान का गायन काल कितना है आपको बताना है? 50 सेकंड, 45, 52 या फिर 55 सेकंड। विकल्प यहाँ पर हमारा कौन सा सही होगा? संपूर्ण राष्ट्रगान का जो गायन काल है, संपूर्ण राष्ट्रगान का वादन या गायन काल, विकल्प कौन सा सही होगा? विकल्प यहाँ पर हमारा सी सही हो जाता है, 52 सेकंड। विकल्प यहाँ पर हमारा सी सही हो जाता है, 52 सेकंड है। ठीक है, तो जो राष्ट्रगान है, राष्ट्रगान कौन सा है? राष्ट्रगान ये है ना, राष्ट्रगान वंदे मातरम है ना, राष्ट्रगान वंदे मातरम को कहते हैं। तो राष्ट्रगान का ये जो गायन काल होता है कितने देर के लिए होता है? 52 सेकंड के लिए होता है। लेकिन इसको ना छोटे, जैसे जब कोई विशिष्ट अवसर होता है तो इसको बड़ा छोटा करके भी गाया जाता है। तो पहली और अंतिम पंक्ति ध्यान रखिएगा, पहली और अंतिम पंक्ति क्या है? अच्छा, जनगणमन है। ठीक है, चलिए मान लेते हैं जनगणमन है, राष्ट्रगान जनगणमन है, तो फिर राष्ट्रगीत हो जाता है वंदे मातरम। हमको लगा कि आप लोग एकदम से सो रहे हैं, बहुत बढ़िया। चलिए, हाँ, तो फिर जब इमरजेंसी वगैरह होती है तो ये 20 सेकंड का गाया जाता है। इसमें साथ साथ में ध्यान दीजिएगा, पहली और अंतिम पंक्ति गाई जाती है। ये क्वेश्चन पूछा भी गया, पहली और अंतिम पंक्ति गाई जाती है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है हमारा अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर एकदम से बहुत ही बढ़िया सारे क्वेश्चन हैं। तो विकल्प यहाँ पर हमारा देखिए, पहले क्वेश्चन देखिए, भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कब किया गया था? भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कब किया गया था? 1956, 60, 62 या फिर 78। विकल्प कौन सा सही होगा? फटाफट से आप लोग रिप्लाई करते रहिए जल्दी से। एक बार सभी स्टूडेंट जोरदार तरीके से वीडियो को लाइक करेंगे, जल्दी से वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे। तो डिसलाइक करने वाले आ जाते हैं लेकिन लाइक करने वालों को पता नहीं चल पाता, तो लाइक जल्दी से करते रहिए। भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कब किया गया था? विकल्प यहाँ पर हमारा ए सही हो जाता है, 1956 इसका सही जवाब है, ऑप्शन ए 1956 है। तो देखिए, आपको बताते चलते हैं, न्यायमूर्ति फजल अली आयोग की रिपोर्ट पर, न्यायमूर्ति फजल, ध्यान दीजिएगा, हम आपको सारी इंपॉर्टेंट और एकदम से सटीक जो स्टैटिक पोर्शन होता है, फैक्चुअल, वो हम आपको बता रहे हैं। तो न्यायमूर्ति फजल अली आयोग की रिपोर्ट के पर राज्यों का पुनर्गठन करने के लिए राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 पारित किया गया था। ठीक है, और इसी आधार पर आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर गठित होने वाला देश का पहला राज्य बना था, और कब बना था आपको पता है? 1953 में। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है। नेक्स्ट, भारत के संविधान के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद कारखानों में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध करता है? भारत के संविधान के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद कारखानों में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध करता है? प्रतिशोध तो बदला हो जाता है, प्रतिषेध मतलब रोकता है। आगे देखिए, आगे 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 अगला क्वेश्चन। आप लोग लाइक करने का मन नहीं करता है ना, चलिए कोई बात नहीं, जबरदस्ती कुछ नहीं करना, मन करे तो करिए। अगला हमारा क्वेश्चन, विकल्प यहाँ पर हमारा डी सी हो जाता है, अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 24 है। तो देखिए, आपको यहां पर बताते चलते हैं, अनुच्छेद जो 19 है इसमें क्या होता है, जो मतलब आपके बोलने की स्वतंत्रता कुछ विषयों पर मतलब अधिकारों का संरक्षण करती है, वाक्य स्वातंत्र्य से रिलेटेड ये है अनुच्छेद 19। अनुच्छेद 17 की बात करते हैं, इसमें है अस्पृश्यता का अंत है, अस्पृश्यता का अंत है अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 23 की अगर बात करते हैं तो मानव के दुर्व्यापार और जो बालकों के श्रम का इसमें प्रतिषेध किया जाता है, और साथ ही साथ अनुच्छेद 24 है
कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध करता है। यानी कि देखिए इसमें है 14 वर्ष से कम आयु के किसी बालक को, इसमें एक पॉइंट और जोड़िए, 14 वर्ष से कम आयु के किसी बालक को किसी कारखाने या कहीं पर भी काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाता है, या किसी अन्य मतलब काम में नहीं लगाया जा सकता, ये भी आप समझ सकते हैं, कारखाने ही नहीं। आगे चलते हैं, नेक्स्ट है, अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बीच के सभी बच्चों शिशुओं को शिक्षा का अधिकार राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित है, मूल अधिकार है, सांविधिक अधिकार है, उपर्युक्त में से कोई नहीं, विकल्प कौन सा सही होगा? आप लोग फटाफट से रिप्लाई करते रहिए, देखिए जल्दी जल्दी से रिप्लाई करते रहिए, एकदम से जोरदार तरीके से क्लास को बनाना है ये, आप रिप्लाई करते रहिए। हाँ, लेकिन सब करते हैं और सब करवाते हैं, ये सब खाली नियम बन चुके हैं, नियम कानून कुछ नहीं होता, खाली वो भाषण दिए जाते हैं भाई, बहुत सारी चीजें सब भाषण पर होती है, दिखावा होता है, रियलिटी में सब कुछ चेंज होता है। आगे देखिए, नेक्स्ट है, विकल्प यहाँ पर हमारा बी सही हो जाता है, ये मूल अधिकार है, 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बीच सभी बच्चों को शिशुओं को शिक्षा का अधिकार, ये क्या है, मूल अधिकार है इनका, ये मूल अधिकार इन्हें दिया ही जाना चाहिए। तो संविधान का जो 86वां संशोधन है, संविधान अधिनियम जो है 86वां संशोधन है ना 2002 का, तो 2002 के द्वारा संविधान के भाग 3 में, 2002 के द्वारा संविधान के भाग 3 में एक नया अनुच्छेद जोड़ा गया जिसका नाम है 21 का जो जोड़ा गया है, जिसके अनुसार राज्य जो है 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करेगा। इसी अनुक्रम में शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 संसद द्वारा पारित किया गया, जो 1 अप्रैल, इसका सही, ये क्वेश्चन यहाँ से खूब पूछे गए, जो कि 1 अप्रैल 2010 से ये लागू हुआ। अच्छा, शिक्षा का अधिकार कैसा अधिकार है, शिक्षा का अधिकार कैसा अधिकार है, शिक्षा का अधिकार कैसा अधिकार है, शिक्षा का अधिकार ये भी ये मानवाधिकार है, शिक्षा का अधिकार ये मानवाधिकार है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, अगले क्वेश्चन की तरफ। जितनी एनर्जी मेरे में ना, उसका अगर 1% भी आप में होना तो आप तहलका मचा दें, लेकिन तहलका आपसे हो नहीं सकता। कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश भारत के संविधान में है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, चौथी अनुसूची में, मौलिक अधिकारों में, प्रस्तावना में, विकल्प कौन सा हमारा सही होगा? फटाफट से रिप्लाई करते रहिए। बहुत बढ़िया, कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश भारत के संविधान में है, विकल्प कौन सा सही होगा हमारा? चलिए भाई, विकल्प कौन सा सही होगा? तो यहाँ पर हमारा विकल्प सही हो जाता है। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बड़ा ज्यादा पूछा गया है, बहुत ही ज्यादा पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। तो ये विकल्प हमारा ए सही हो जाता है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश भारतीय संविधान के राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में किया गया है, और ये संविधान के भाग 4 के तहत, संविधान के भाग 4 के तहत अनुच्छेद 36 से 51 के अंतर्गत शामिल किया गया, 36 से लेकर के 51 के अंतर्गत ये शामिल किया गया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आप सभी के लिए, बहुत बढ़िया, शाबाश, क्या बात है। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए आ रहा है। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है, कैसे हटाया जा सकता है, भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से कैसे हटाया जा सकता है, भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से कैसे हटाया जा सकता है, भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा हटा दिया जाता है, या फिर लोकसभा के द्वारा, या भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा, या फिर संसद के द्वारा, तो किस विकल्प की तरफ बढ़ेंगे भाई? भारत के राष्ट्रपति को कैसे हटाया जा सकता है, जबरदस्ती ढकेल करके हटा दिया जाए? तो यहाँ पर हमारा विकल्प डी सी हो जाता है, संसद के द्वारा हटाया जा सकता है, विकल्प डी सी होता है संसद के द्वारा। तो अनुच्छेद, अगर हम 56 की बात करते हैं, अनुच्छेद 56 के खंड ए के उपखंड खा के अनुसार संविधान का जो अतिक्रमण करते हैं, मतलब संविधान का अतिक्रमण करने पर राष्ट्रपति को अनुच्छेद 61 में लिखा गया है, मतलब अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया का वर्णन किया गया, जिक्र किया गया। तो 61 में जो उपबंधित है, यानी कि राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है, तो इस रीति से संसद द्वारा चलाए गए महाभियोग के माध्यम से इन्हें पद से हटाया जा सकता है, करेक्ट है। यहाँ पर मैंने 56 वाला भी जिक्र किया, 61 वाला भी जिक्र किया, 56 में क्या है, 61 में क्या है, आप लोगों ने सुन लिया ध्यान से, ठीक है। 56 में लिखा है कि अगर ये संविधान का अतिक्रमण करते हैं तो, 61 में लिखा है कि इन पर महाभियोग चलाया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट, अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद है तो उस विवाद को सौंपा जा सकता है किसे? अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद है, विवाद होता ही रहता है, तो इसमें किसे सौंपे, इस विवाद को किसे सौंपा जा सकता है? यहाँ पर तो सारे विवाद हम ही लोग सुलटा लेते हैं, तो कहाँ पर सौंपा जाएगा? हम्म,
चलिए भाई, बहुत बढ़िया, शाबाश, क्या बात है, कैसे सुलटाएं आप लोग। तो विकल्प यहाँ पर हमारा सी सही हो जाता है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा। तो अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद है तो उस विवाद को अनुच्छेद 71 71 एक के अनुसार भारत के सर्वोच्च न्यायालय को सौंपा जाएगा, और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किया गया जो निश्चय होगा वो अंतिम माना जाता है। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। बहुत बढ़िया, शाबाश भाई। अगला क्वेश्चन हमारा, यदि मृत्यु, त्याग पत्र अथवा हटाए जाने की स्थिति में भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए तो उस पद का कार्यभार कौन संभालेगा? आपको बताना है। अगला क्वेश्चन है, यदि मृत्यु हो जाती है, त्याग पत्र देते हैं और हटाने की स्थिति में भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए तो उस पद का कार्यभार कौन संभालेगा? तो विकल्प के अकॉर्डिंग किस ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे? ऑप्शन यहाँ पर हमारा कौन सा सही होगा? ऑप्शन सही हो जाता है, बहुत बढ़िया भाई, विकल्प सी सही हो जाता है, उपराष्ट्रपति। जग जाहिर है, उपराष्ट्रपति ही संभालते हैं। तो देखिए, ये अनुच्छेद की बात हम यहाँ पर करेंगे। अनुच्छेद 65 के अकॉर्डिंग 65 में दिया है, यदि मृत्यु, त्याग पत्र अथवा हटाए जाने की स्थिति में राष्ट्रपति का पद रिक्त हो तो पद का कार्यभार उपराष्ट्रपति संभालेगा, और यदि किन्हीं कारणों से उपराष्ट्रपति भी उपलब्ध नहीं है तो कौन संभालेगा? जल्दी से बताइए। अगर ये भी उपलब्ध नहीं है तो कौन संभालेगा भाई? ऐसा तो कभी कभी तो हो ही सकता है ना कि दोनों उपलब्ध ना हो। तो यहाँ पर हमारा विकल्प सही हो जाएगा। तो कौन संभालेंगे? उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, और अगर वो भी ना रहते हैं तो उसी न्यायालय का जो वरिष्ठतम न्यायाधीश जो उस समय उपलब्ध होगा वो राष्ट्रपति के कार्य को संपादित करेगा। क्लियर हो गया? जब ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये सारी मैंने बता दी आपको। ये राष्ट्रपति उत्तराधिकार अधिनियम 1969 के तहत ये बनाया गया, 1969, प्रेसिडेंट्स डिस्चार्ज ऑफ फंक्शन बिल 1969। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, नेक्स्ट है हमारा अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर। बहुत बढ़िया, शाबाश। क्लास कैसी लग रही है आपको? क्वेश्चन का कलेक्शन कैसा लग रहा है? आप लोग कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताएंगे। आपके फीडबैक का हमें बड़ा ही बेसब्री से इंतजार रहता है। आपके फीडबैक के बिना तो कुछ भी नहीं हो पाता। यंग इंडिया पुस्तक के लेखक थे, यंग इंडिया। अब आ जाता है हिस्ट्री का पोर्शन भाई। यहाँ पर बताइए, यंग इंडिया पुस्तक के लेखक कौन थे? बिपिन चंद्रपाल, महात्मा गांधी, अरविंद घोष या फिर लाला लाजपत राय? विकल्प कौन सा सही होगा? यंग इंडिया, यंग इंडिया। बहुत बढ़िया, शाबाश, क्या बात है, यंग इंडिया पुस्तक के लेखक, बहुत जबरदस्त, क्या बात है, शाबाश। यंग इंडिया पुस्तक के लेखक कौन थे? तो विकल्प यहां पर हमारा विकल्प तो दिख ही रहा है, लाला लाजपत राय है भाई। हाँ, आप सभी स्टूडेंट एक बार जल्दी से वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिए भाई, कंटेंट में कोई कमी नहीं होगी। विकल्प यहाँ पर हमारा है, डी से हो जाता है, लाला लाजपत राय। यंग इंडिया, ये है क्या? यंग इंडिया जानते हैं क्या? ये यंग इंडिया क्या है? ये पुस्तक है लाला लाजपत राय ने। यंग इंडिया पत्रिका की अगर हम बात करेंगे, ध्यान दीजिएगा, इसीलिए मैंने क्वेश्चन उठाया है, ध्यान दीजिएगा, हम सारा क्लियर करते हुए चलेंगे। यंग इंडिया अगर हम पत्रिका की बात करते हैं ना, तो ये किसने की लिखी थी? यंग इंडिया पत्रिका की अगर हम बात करते हैं तो ये होगी महात्मा गांधी के द्वारा, महात्मा गांधी ने किया था। रचना, थैंक यू सो मच मैम, आई वॉज रियली वेटिंग फॉर दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन मैम। संविधान में क्या कहाँ से लिया गया ये एक बार करवा दीजिएगा, इफ पॉसिबल मेरे रॉन्ग हो जाते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, बिल्कुल रचना, ओके, बहुत बढ़िया, ऐसे ही फीडबैक चाहिए। यहाँ पर देखिए, तो ये जो यंग इंडिया बुक है इसे लिखा था लाला लाजपत राय ने, और जो अगर हम यंग इंडिया पत्रिका की बात होगी, यंग इंडिया पत्रिका, हरिजन है, नवजीवन का प्रकाशन, इन सभी का महात्मा गांधी ने किया था। बहुत ही क्लियर यहाँ पर मैंने कर दिया। अब यहाँ पर आगे देखिए, लाला लाजपत राय की पुस्तक अनहैप्पी इंडिया, अनहैप्पी इंडिया भी है। अरविंद घोष की पुस्तक है एक युगांतर है, ठीक है, वंदे मातरम है, लाइफ डिवाइन है और सावित्री है, ठीक है। तो ये थी कुछ पुस्तक। और अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। गदर पार्टी के संस्थापक, जो कि बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है, गदर पार्टी के संस्थापक, गदर पार्टी छूटनी नहीं चाहिए, गदर पार्टी के संस्थापक, गांधी सुना था तो मैंने बताया, तो पत्रिका सुना था, बुक नहीं। आगे देखिए, गदर पार्टी के संस्थापक, गदर पार्टी के संस्थापक, विकल्प यहां पर हमारा सी सही हो जाता है, लाला हरदयाल। विकल्प सी सही हो जाता है, लाला हरदयाल। गदर पार्टी के संस्थापक, विकल्प सी सही हो जाता है, लाला हरदयाल थे। और आपको बताते चलते, 1 नवंबर, 1 नवंबर, 1 नवंबर 1913 में अनेक भारतीयों ने मिलकर के लाला हरदयाल के नेतृत्व में अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना की।
और आपको बताते चलते हैं इसके प्रथम अध्यक्ष कौन चुने गए, सोहन सिंह भाकना इसके प्रथम अध्यक्ष चुने गए। और आपको बताते चलते हैं और लाला हरदयाल जो थे इसके प्रथम मंत्री और काशीराम जो थे वो कोसा अध्यक्ष चुने गए थे। ठीक है, क्लियर। मैंने यहाँ पर देखिए गदर पार्टी के संस्थापक तो मैंने बता दिया लाला हरदयाल, और ये कहाँ पर हुई थी, अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में हुई थी, और सोहन सिंह भाकना इसके प्रथम अध्यक्ष बने थे, और लाला हरदयाल जो थे वो इसके प्रथम मंत्री और काशीराम कोसा अध्यक्ष चुने गए थे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और इसकी स्थापना 1 नवंबर 1913 को हुई थी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर, मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी, कब हुई थी। बहुत बढ़िया, ये क्वेश्चन तो बार बार करवाते रहते हैं, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी, क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर है, मुस्लिम लीग की स्थापना की बात, अब बताइए जल्दी से मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी, विकल्प आपका कौन सा सही होगा। शाबाश, मुस्लिम लीग विकल्प यहाँ पर हमारा सही हो जाता है 1906, इसका सही जवाब मुस्लिम लीग की स्थापना विकल्प ए सही हो जाता है 1906। 30 दिसंबर 1906 को ढाका के नवाब थे सलीमुल्ला खां के निमंत्रण पर एक सम्मेलन हुआ था, और नवाब बकर उल मुल्क इसके अध्यक्ष थे। ठीक है, इसी सम्मेलन में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का उदय हुआ, और लीग का जो संविधान था 1907 में कराची में बना, और इस संविधान के अनुसार प्रथम अधिवेशन 1908 में अमृतसर में हुआ, जहां आगा खां को इसका अध्यक्ष बना दिया गया था। किसको बनाया गया था, आगा खां को इसका अध्यक्ष बनाया गया था 1908 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे देखिए, अगर आप सभी लोग शेयर करेंगे तो इस संख्या को बढ़ाना बिल्कुल भी असंभव नहीं है, आप लोगों के सपोर्ट के बिना कुछ भी नहीं है, तो आप लोग अपना सपोर्ट अपना प्यार जरूर देते रहिए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, वंदे मातरम गीत के रचयिता का नाम क्या है, वंदे मातरम गीत के रचयिता का नाम क्या है, वंदे मातरम गीत के रचयिता का नाम क्या है। आगे देखिए, वंदे मातरम गीत के रचयिता का नाम क्या है, विकल्प यहां पर हमारा कौन सा सही होगा। बिल्कुल सही जवाब है, वंदे मातरम गीत के रचयिता का नाम है, विकल्प यहां पर हमारा बी सही हो जाता है, बंकिम चंद चैटर्जी इसका सही जवाब है। वंदे मातरम गीत के रचयिता बंकिम चंद चैटर्जी है, और यह गीत इनके एक ग्रंथ से लिया गया, उस ग्रंथ का नाम क्या है, यह गीत उनके एक ग्रंथ से लिया गया जिसका नाम है आनंद मठ है। ठीक है, और आपको बताते चलते हैं, यहां से रिलेटेड एक बड़ा ही तगड़ा क्वेश्चन पूछा जाता है, इसे किस अधिवेशन में स्वीकार किया गया, वंदे मातरम को, इस गीत को किस अधिवेशन में स्वीकार किया गया था, तो यहां पर आपको बताते चलते हैं, 1896 की कांग्रेस अधिवेशन में इसे स्वीकार किया गया था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आप सभी के लिए, बहुत बढ़िया, अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिए और फटाफट से रिप्लाई करिए, नील विद्रोह कब आरंभ हुआ था, बहुत बढ़िया, शाबाश, जबरदस्त, जिंदाबाद, नील विद्रोह कब आरंभ हुआ था, तो नील विद्रोह विकल्प यहां पर हमारा सही हो जाता है ए, 1859 में आरंभ हुआ था, 1859 में नील विद्रोह का आरंभ 1859 में हुआ था, और यह आंदोलन बंगाल के किस जिले में हुआ था और किस गांव में, तो जिला जो है नादिया जिला, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया नादिया जिला, तो डायरेक्टली ये ना पूछ करके कभी जिला पूछ लिया गया तो फिर कौन से रिप्लाई करेंगे, नादिया जिला में एक गांव था जिसका नाम था गोविंदपुर, यहां से शुरू हुआ था, और इसका नेतृत्व किसने किया था, इसका नेतृत्व दिगंबर और विष्णु विश्वास ने किया था, नोट कर लीजिए, कहीं पे आपको ये नाम नहीं मिलेगा, दिगंबर और विष्णु विश्वास ने इसका नेतृत्व किया था। इस आंदोलन का उद्देश्य क्या था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि इस आंदोलन का उद्देश्य नील उत्पादकों के शोषण के खिलाफ किसानों का खुला संघर्ष था, ये तरीके से जो संघर्ष कर रहे थे उन्होंने विद्रोह कर दिया, और ये किसानों का विद्रोह था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट है, इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक अध्यक्ष कौन थे, दादाभाई नौरोजी, महात्मा महादेव, गोविंद रानाडे, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, या फिर विकल्प हमारा कौन सा सही होगा। बहुत बढ़िया, शाबाश, एकदम से रिप्लाई करते रहिए, विकल्प यहां पर हमारा सही हो जाता है, इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक अध्यक्ष, विकल्प यहां पर हमारा सी सही हो जाता है, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, तो इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक अध्यक्ष सुरेंद्रनाथ बैनर्जी थे। और इनके अगर हम गठन की बात करते हैं, तो गठन कब हुआ था, 26 जुलाई, इसका गठन हुआ था 26 जुलाई, ध्यान दीजिएगा
26 जुलाई 1876 में कलकत्ता के अल्बर्ट हॉल में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? कलकत्ता के अल्बर्ट हॉल में हुआ था। इस संस्था का प्रथम उद्देश्य देश में जनमत हेतु एक शक्तिशाली संस्था का गठन करना था। इंडियन एसोसिएशन का जो उद्देश्य था, इसका उद्देश्य देश में जनमत हेतु एक शक्तिशाली संस्था का गठन करना था। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए, मास्टर दा के नाम से विख्यात स्वतंत्रता सेनानी का मूल नाम आपको बताना है। मास्टर दा के नाम से विख्यात स्वतंत्रता सेनानी का मूल नाम आपको बताना है। विकल्प कौन सा हमारा सही होगा? चलिए जल्दी से बताइए। मास्टर दा के नाम से जाति मोहन सेन, सूर्य सेन, रास बिहारी बोस, या फिर कौन सा विकल्प सही होगा? फिर से एकदम से इनएक्टिव हो चुके हैं, फिर से एकदम से इनएक्टिव फॉर्म में आ जाते हैं आप लोग। विकल्प यहाँ पर हमारा बी सही हो जाता, सूर्य सेन है विकल्प बी। तो आपको बताते चलते हैं, भारत के विख्यात स्वतंत्रता सेनानी मास्टर दा सूर्य सेन को माना जाता है। ये बंगाल के थे, तो इसीलिए मास्टर दा, ये आप लोगों ने सुना बंगाल में बोला जाता है, तो ये बंगाल के थे। इन्होंने बंगाल में इंडियन रिपब्लिक आर्मी की स्थापना की। किसकी? बंगाल में की थी इंडियन रिपब्लिक आर्मी की इन्होंने स्थापना की थी। और असहयोग आंदोलन में इनकी सक्रिय भूमिका रही है। और ये एक बाद में जब समय के साथ ये शिक्षक बनते हैं एक विद्यालय में, तो उसके बाद से इन्हें मास्टर दा के नाम से ही जाना जाने लग गया था। तो वहीं से ये क्वेश्चन पूछा गया है। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए बनाई गई समिति का नाम क्या था? बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है, सभी की रिप्लाई 100% सही आनी चाहिए। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए बनाई गई समिति का नाम आपको बताना है। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए बनाई गई समिति का नाम, साइमन कमीशन, हंटर कमीशन, रेमंड कमीशन, लिन लिथिको कमीशन, विकल्प कौन सा हमारा सही होगा? जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए बनाई गई समिति का नाम, तो विकल्प यहाँ पर हमारा बी सही हो जाता है, हंटर कमीशन है। विकल्प बी सही होता है, हंटर कमीशन है। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए हंटर कमीशन गठित किया गया था। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? इसकी अध्यक्षता की थी लॉर्ड हंटर ने की थी। और ये आयोग कब गठित हुआ था? ये कब गठित हुआ था? 1919 में। कब हुआ था? 1919 में गठित किया गया था। और जिसके सदस्य जो थे लॉर्ड हंटर थे, और जॉर्ज बरो थे, टॉमस स्मिथ थे, और चिमन लाल शीतलवाड़ भी थे, जगत नारायण थे, साहबजानी थे, और मतलब ये सारे लोग थे इसमें, बस इतना जानते रहिए। ये पूछा नहीं जाता, मैंने ऐसे बता दिया। अगले क्वेश्चन पर पढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के किस महीने में आरंभ हुआ था? अब ये क्वेश्चन पूछा गया, पहले तो ये पूछा जाता कि भारत छोड़ो आंदोलन कब स्टार्ट हुआ था। तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के किस महीने में आरंभ हुआ था? जनवरी में, जुलाई में, अगस्त में, या फिर दिसंबर में? विकल्प कौन सा सही होगा भाई? कौन सा सही होगा? जल्दी से बताइए, जल्दी से, जल्दी से। विकल्प यहाँ पर हमारा सही हो जाता है सी अगस्त है, क्योंकि डेट तो हमेशा बताया ही जाता है ना, तो 9 अगस्त बताया जाता है। तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में अगस्त महीने में प्रारंभ हुआ था। 1942 तो कब हुआ था? 9 अगस्त 1942 को शुरू होने वाले इस आंदोलन को अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। क्यों? क्योंकि ये अगस्त में शुरू हुआ था, और यहीं से ये क्वेश्चन मैंने पूछा, तो अगस्त क्रांति है, ठीक है, अगस्त क्रांति के नाम से भी इसे जाना जाता है। और ये ब्रिटिश शासन के विरुद्ध भारत की अंतिम महालड़ाई थी ये, और जिसने ब्रिटिश शासन की नींव को एकदम से हिला करके रख दिया था। और इसी आंदोलन में गांधी जी ने कौन सा नारा दिया था? इसी आंदोलन में तो आगे बताइए, यहां पर कौन सा नारा दिया गया था? कौन सा नारा दिया गया था? चलिए, तो यहां पर हमारा विकल्प सही हो जाएगा, बिल्कुल सही, करो या मरो का नारा। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़िए फटाफट से। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विकल्प यहां पर हमारा कौन सा सही? गांधी इरविन समझौता विकल्प यहां पर हमारा बी सही हो जाता है, 1931 में। विकल्प यहां पर हमारा बी सही होता है, 1931 में, 1931 में, ठीक है। गांधी इरविन समझौता अगर हम पूरे डेट की बात करते हैं, तो 5 मार्च 1931 में हुआ था, राइट, 5 मार्च 1931 में। और इस
को एक मतलब गांधी इरविन को दिल्ली पैक्ट भी कहा जाता है, दिल्ली पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है। ध्यान दीजिए कि इससे रिलेटेड ऐसे करके क्वेश्चन पूछा गया, दिल्ली पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है। और साथ ही साथ इस समझौते के तहत कांग्रेस द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेना स्वीकार की थी, इसी समझौते के तहत कांग्रेस द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेना स्वीकार की थी। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आगे देखिए, भारत में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई थी? भारत में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई थी? भारत में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई थी? भारत में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई थी? आपको बताना है जल्दी से कमेंट सेक्शन में। बहुत बढ़िया, विकल्प यहां पर हमारा सही हो जाता है सी, 1774 में, 1774 में, 1774 में, 1774 में सुप्रीम कोर्ट की, भारत में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 1774 में हुई थी। कहां पर हुई थी? चलिए विकल्प दे दे, कलकत्ता है, मुंबई है, दिल्ली है और फिर चेन्नई है, चार तो मैंने बता दिए। आगे बताइए कहाँ पर, कब कहाँ पर हुई थी? कब तो मैंने बता दिया 1774 है, कब हुई थी 1774 में, कहाँ पर हुई थी ये आपको बताना है। ठीक है, तो कहाँ पर हुई थी, विकल्प कौन सा सही होगा? विकल्प यहां पर हमारा सही हो जाता है कोलकाता। बहुत बढ़िया, इसमें एक मुख्य और तीन अन्य न्यायाधीश थे, एक मुख्य थे और तीन अन्य न्यायाधीश थे। प्रथम मुख्य न्यायाधीश के पद पर सर एलिजा एम्पे नियुक्त हुए थे। इनका क्या नाम था? ये पीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया है, सर एलिजा 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 इम्पे नियुक्त हुए थे, एलिजा इम्पे नियुक्त हुए थे। ठीक है, एलिजा इम्पे नियुक्त हुए थे। और जो तीन और थे उनके नाम नहीं पता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन, अमावस्या के अवसर पर जब धरती से देखने पर सूर्य और चांद एक ही संयोजन में दिखे तो इस व्यवस्था को क्या कहते हैं? ये क्या है भैया? अमावस्या के समय होता है जब धरती से देखते सूर्य और चांद एक ही संयोजन में दिखते हैं, इस लाइन से, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, संध्या ग्रहण। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, विकल्प यहाँ पर हमारा ये सही हो जाता है, सूर्य ग्रहण होता है। अमावस्या के समय पर धरती से देखने पर ये जब ऐसे संयोजन में दिखे तो इस अवस्था को सूर्य ग्रहण कहा जाता है। और चंद्र ग्रहण में क्या होता है? सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है। चंद्र ग्रहण में क्या होता है? सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है, तो सूर्य की पूरी रोशनी चंद्रमा पर नहीं पड़ती है। और चंद्र ग्रहण हमेशा कब होता है? पूर्णिमा के दिन होता है, पूर्णिमा के दिन होता है। एक थोड़ा सा ट्रिक हम आपको बताते चलते हैं, पूरा आधा कौन होता है? चांद ही होता है। तो चांद कभी आधा से पूरा होता है, तो पूर्णिमा पूर्ण से रिलेटेड, ये चंद्रमा ही आधा पूरा होता रहता है ना, तो उसी से रिलेटेड थोड़ी सी ट्रिक है, पूर्णिमा के समय होता है। सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण आंशिक या पूर्ण हो सकता है, और पूर्ण जो सूर्य ग्रहण है वो हमेशा अमावस्या के दिन ही होता है। अगले क्वेश्चन पर पढ़ेंगे, नेक्स्ट टाइम। अगला क्वेश्चन है, शुक्र के वातावरण में निम्न गैसों में से कौन सी शामिल होती है? शुक्र के वातावरण में निम्न गैसों में से ज्यादातर कौन सी शामिल होती है? नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। आगे, शुक्र के वातावरण में निम्न गैसों में से ज्यादातर कौन सी शामिल होती है? विकल्प यहां पर हमारा कौन सा सही होगा? विकल्प यहां पर हमारा सही हो जाता है डी, कार्बन डाइऑक्साइड है। विकल्प डी सही हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड। शुक्र जो है, शुक्र के वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड गैस ज्यादातर शामिल होती है। शुक्र ग्रह को सुबह और शाम का तारा भी कहा जाता है, सुबह और शाम का तारा भी कहा जाता है। और अगर हम मंगल ग्रह की बात करते हैं ना, तो मंगल ग्रह पर मीथेन गैस का प्रमाण मिला है। और पृथ्वी पर आप सभी जानते हैं नाइट्रोजन है 78%, ऑक्सीजन 21% है, कार्बन डाइऑक्साइड की बात करते हैं 0.03% है वायुमंडल में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है हमारा अगला क्वेश्चन है, पेरिस किस नदी के किनारे स्थित है? पेरिस किस नदी के किनारे, कल ही मैंने क्वेश्चन करवाया था, पेरिस किस नदी के किनारे, फटाफट से आप लोग रिप्लाई करते रहिए, पेरिस किस नदी के किनारे है भाई, जबरदस्त जल्दी से बताइए, पेरिस किस नदी के किनारे है? आगे देखिए, बिल्कुल बहुत बढ़िया, जबरदस्त, यहां पर हमारा विकल्प सही हो जाता है। चलिए भाई, विकल्प ए सही हो जाता है, सीन नदी है। विकल्प ए सही हो जाता है, सीन है, पेरिस सीन नदी के किनारे है। अच्छा, लंदन किस नदी के किनारे है? लंदन किस नदी के किनारे है? तो टेम्स नदी। आप लोगों की रिप्लाई भी आ चुकी है, शाबाश, एकदम से एडवांस हो चुके हैं हमारे बच्चे।
और आपको बताते चलते हैं, जो जर्मनी है, जर्मनी किस नदी के किनारे है, जर्मनी किस नदी के किनारे है, तो ये है राइन नदी के किनारे है। अच्छा, सेंट लॉरेंस नदी के किनारे, और जर्मनी का भी ये अगर बात करें कोलोन है, ठीक है। अच्छा, अगर हम यहाँ पर बात करते हैं सेंट लॉरेंस की, तो सेंट लॉरेंस नदी के किनारे क्या है, कनाडा, कनाडा का ओटावा है, कनाडा का ओटावा है सेंट लॉरेंस नदी के किनारे। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर, किस नदी को चीन का दुख कहा जाता है, किस नदी को चीन का दुख कहा जाता है, हमारा विकल्प कौन सा सही होगा, किस नदी को चीन का दुख कहा जाता है। बड़ी आसान सा क्वेश्चन है, बहुत ही आसान सा। अब ये भी रिप्लाई आप लोगों की अगर स्लो आएगी तो फिर तो बड़ी एकदम से नाक काटने वाली बात है। किस नदी को चीन का दुख, विकल्प यहाँ पर हमारा बी सही हो जाता है, वांगो नदी है। चीन का दुख वांगो नदी को कहा जाता है। और बिहार का शोक किसे कहा जाता है, बिहार का शोक, बिहार का शोक किसे कहते हैं, बिहार का शोक कहते हैं कोसी नदी को। अच्छा, बंगाल का शोक किसे कहा जाता है, ये आपको बताना है जल्दी से कमेंट सेक्शन में। बहुत बढ़िया, शाबाश भाई, शाबाश। अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे, हमने अब आपसे जो पूछा है बंगाल का शोक किसे कहते हैं, तो आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में रिप्लाई करेंगे। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, तो चलिए हम करेंगे सभी क्वेश्चंस का एक बार फटाफट से रिविजन नहीं करेंगे, फिर अगले क्वेश्चन की तरफ यहाँ पर बढ़ते हैं। आप बताइए, गदर पार्टी के एक प्रमुख नेता कौन थे, गदर पार्टी के एक प्रमुख नेता कौन थे, गदर पार्टी के एक प्रमुख नेता, यहाँ पर आपका विकल्प कौन सा हमारा सही होगा। चलिए जल्दी से, फिर इसके बाद हम सुपर फास्ट रिवीजन करेंगे, अभी कम से कम 20 मिनट आप क्लास से करते रहिए। चलिए, गदर पार्टी के एक प्रमुख नेता, किधर चलूं मैं, 1 मिनट, बिल्कुल सही जवाब है। आगे आ जाइए, आगे आ जाइए, अब वो खत्म हो जाता है, दामोदर नदी है, दामोदर नदी बंगाल का शोक है। आगे बढ़ जाइए, आगे आगे आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, यहां पर आपको बताना है गदर पार्टी के एक प्रमुख नेता थे, गदर पार्टी के एक प्रमुख नेता में नाम आ जाता है, विकल्प सही हो जाता है, बिल्कुल सही है, लाला हरदयाल, अभी मैंने आपको बताया। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, भारत से ब्रिटेन की ओर संपत्ति की अपोहन, भारत से ब्रिटेन की ओर संपत्ति की अपोहन, वेन ऑफ वेल्थ का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसने प्रतिपादित किया। बहुत बढ़िया, जबरदस्त, शाबाश। भारत से ब्रिटेन की ओर संपत्ति की अपोहन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया। जब तक हमारी क्लास चलती है, कॉन्टिन्यू चलती है, और एकदम से रुकना नहीं, थकना नहीं है, तब तक नहीं थकना जब तक कि हमें हमारा टारगेट नहीं मिल जाता, तो विकल्प यहां पर हमारा सही हो जाता है। कौन सा विकल्प यहां पर हमारा सही होता है, विकल्प बी, दादा भाई नौरोजी। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, शाबाश। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से किस युद्ध से भारत में मुगल राज्य की नींव पड़ी, निम्नलिखित में से किस युद्ध से भारत में मुगल राज्य की नींव पड़ी है, तो कौन सा युद्ध है जिससे कि भारत में मुगल राज्य की नींव पड़ी, विकल्प यहां पर हमारा कौन सा सही होगा, प्लासी है, तालीकोटा है, पानीपत का प्रथम युद्ध, या फिर हल्दीघाटी का युद्ध। बहुत बढ़िया, रिप्लाई करते रहिए, रिप्लाई करते रहिए, रुकना नहीं है, तब तक नहीं रुकना जब तक कि आप सेलेक्ट नहीं हो जाते, विकल्प यहां पर हमारा सी सही हो जाते, पानीपत का प्रथम युद्ध, विकल्प सी। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, आप लोग कर चुके हैं, कांग्रेस का 1906 का अधिवेशन जिसमें स्वराज को लक्ष्य घोषित किया गया, कहां पर हुआ था, गलत नहीं होना चाहिए, कांग्रेस का 1906 का अधिवेशन जिसमें स्वराज को लक्ष्य घोषित किया गया, कहां पर हुआ था, स्वराज का लक्ष्य जो घोषित किया गया वो कहां पर हुआ था, बंबई, कलकत्ता, लखनऊ, मद्रास, विकल्प कौन सा सही होगा, बंबई, कलकत्ता, लखनऊ, मद्रास, विकल्प यहां पर हमारा सही हो जाता है, विकल्प बी, कलकत्ता में हुआ था, विकल्प यहां पर हमारा बी सही हो जाता है, कलकत्ता। अगला क्वेश्चन हमारा है, अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिए और फिर रिप्लाई करते रहिए, अगला क्वेश्चन आप लोग एकदम से पीछे चल रहे हैं, फटाफट से रिप्लाई करिए, गांधी जी ने दांडी यात्रा कहाँ से शुरू की थी, गांधी जी के द्वारा दांडी यात्रा कहाँ से शुरू की गई, अहमदाबाद, इलाहाबाद, दांडी, या फिर कलकत्ता, किधर की तरफ बढ़ूं, अहमदाबाद, इलाहाबाद, दांडी, या फिर कलकत्ता, विकल्प यहां पर हमारा सही हो जाता है, ए, अहमदाबाद इसका सही जवाब हो। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस समय पारित किया, कल आपको 9 बजे की क्लास में योजनाओं से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिलेगा, क्लास जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस समय पारित किया, विकल्प यहां पर हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन डी की तरफ बढ़ेंगे, 1942 इसका सही जवाब होगा, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 सही जवाब है कि नहीं है। चलिए भाई, एक बार सभी स्टूडेंट वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे, एक बार जबरदस्त तरीके से वीडियो को, उतने तो लाइक जरूर कर दीजिए जितने आप लोगों की संख्या है, तो चलिए जल्दी से, हाँ जल्दी से एक बार वीडियो को लाइक करेंगे, दिल से लाइक करेंगे, दिल से वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिए, विकल्प हमारे यहाँ पर डी से हो जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं,
भारतीय और यूनानी कला के अभिलक्षणों को समन्वित करने वाली शैली का आपको नाम बताना है, यानी कि भारतीय और यूनानी कला का जो मिश्रण देखने को मिलता है कहाँ पर, आप बताइए जल्दी से। भारतीय और यूनानी कला के अभिलक्षणों को समन्वित करने वाली कला शैली का क्या नाम है, विकल्प यहाँ पर हमारा कौन सा सही होगा? तो ये शैली, ये है विकल्प आपका सही हो जाता है, गांधार। बिल्कुल सही जवाब है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गांधार शैली है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, मुगल चित्रकारी ने किसके शासनकाल में पराकाष्ठा प्राप्त की? मुगल चित्रकारी ने किसके शासनकाल में पराकाष्ठा प्राप्त की थी? अभी कल मैंने क्वेश्चन आपको करवाया भी था। तो मुगल चित्रकारी ने किसके शासनकाल में पराकाष्ठा प्राप्त की थी, शाहजहां, अकबर, जहांगीर या फिर औरंगजेब? विकल्प यहाँ पर हमारा सही हो जाता है सी, इसका सही जवाब होगा जहांगीर है, इसका सही जवाब हो जाता है सी, जहांगीर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ेंगे, हमारा अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी जो कि 1784 में स्थापित हुई थी, इसके प्रवर्तक कौन थे? बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी के प्रवर्तक थे वॉरेन हेस्टिंग्स, सर विलियम जेम्स या फिर विकल्प कौन सा सही? फटाफट से रिप्लाई करते रहिए, रुकना नहीं है, एकदम से सुपर फास्ट आप चलते रहिए, आप उड़ते रहने चाहिए, एकदम से उड़ के रिप्लाई करनी है। बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी के प्रवर्तक, विकल्प यहाँ पर हमारा सही हो जाता है सोसाइटिक, विकल्प बी सही हो जाता है, सर विलियम जेम्स, विकल्प बी सही होता है। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, नेक्स्ट है हमारा अगला क्वेश्चन है, कराधान के अभिनियमों का प्रवर्तक कौन था? कराधान के अभिनियमों का प्रवर्तक ही पूछा जाएगा, हाँ प्रवर्तक, चलिए जल्दी से बताइए, टैक्सेशन, कराधान मतलब टैक्सेशन, विकल्प कौन सा सही होगा? कराधान के अभिनियमों का प्रवर्तक कौन था? विकल्प यहाँ पर हमारा बी सही हो जाता है, एडम स्मिथ, विकल्प बी सही होता है, एडम स्मिथ है। अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे, नेक्स्ट है भाई, निम्नोक्त में से किसने अकबर की जीवन कथा लिखी थी? निम्नोक्त में से किसने अकबर की जीवन कथा लिखी थी? देखिए स्पीड एकदम से, आप लोग मेरी स्पीड में आ जाइए, मेरी स्पीड में आइए एकदम से, समझिए एग्जाम हॉल में बैठे एकदम से उड़ा देंगे, धुआं धुआं करना है पूरा एग्जाम। निम्नोक्त में से किसने अकबर की जीवन कथा लिखी? बहुत बढ़िया, शाबाश भाई, अकबर की जीवन कथा लिखी थी, विकल्प यहाँ पर हमारा ए सही हो जाता है, अबुल फजल, विकल्प ए सही होता है, अबुल फजल ने अकबर की जीवन कथा लिखी थी। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर, अगला हमारा क्वेश्चन आप सभी के लिए यहाँ पर देखिए आ रहा है धीरे धीरे, थोड़ी सी स्पीड में, विकल्प यहाँ पर हमारा, प्रेजेंट डायरी किसने लिखी? प्रेजेंट डायरी किसने लिखी थी भाई? प्रेजेंट डायरी किसने लिखी? प्रेजेंट डायरी किसने लिखी? आगे आइए, प्रेजेंट डायरी, आगे जयप्रकाश नारायण, विकल्प यहाँ पर हमारा सी सी हो जाता है, जयप्रकाश नारायण ने लिखी थी प्रेजेंट डायरी। अगला क्वेश्चन हमारा, प्रथम विश्व युद्ध छिड़ने का तात्कालिक कारण क्या था? प्रथम विश्व युद्ध छिड़ने का तात्कालिक कारण क्या था, आपको बताना है, प्रथम विश्व युद्ध छिड़ने का तात्कालिक कारण क्या था? विकल्प यहाँ पर हमारा सही हो जाता है प्रथम विश्व युद्ध, ये आर्कड्यूक फ्रांसिस फर्डिनेंड की हत्या थी, विकल्प आपका ए सही हो जाता है। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, नेक्स्ट है, अफीम युद्ध किनके बीच लड़े गए थे? अफीम युद्ध किनके बीच लड़े गए थे? बहुत बढ़िया, शाबाश, क्या बात है, जबरदस्त, जिंदाबाद, शानदार। अफीम युद्ध किनके बीच लड़े गए थे? अफीम युद्ध किनके बीच लड़े गए थे? तो विकल्प यहां पर हमारा सही हो जाता है अफीम युद्ध, विकल्प ए, ब्रिटेन और चीन के बीच, विकल्प आपका ए सही हो जाता है, ब्रिटेन और चीन के मध्य अफीम युद्ध लड़े गए थे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आप सभी के लिए, वर्ष 1829 में सती प्रथा को समाप्त करने में किसने योगदान दिया था? वर्ष 1829 में सती प्रथा को समाप्त करने में किसका योगदान था? वर्ष 1829 में सती प्रथा को समाप्त करने में किसका योगदान था? सारे क्वेश्चन एक से बढ़कर एक है और यहां से आपके एग्जाम में 100% क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाना है। तो विकल्प कौन सा सही है? लॉर्ड हेस्टिंग्स, रिपन, वेंटिंग या फिर इरविन? विकल्प यहां पर हमारा सही हो जाता है विकल्प सी, लॉर्ड वेंटिंग, ऑप्शन सी सही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, हमारा अगला क्वेश्चन है, हमारा अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर, कलकत्ता नगर को किस नए नाम की संज्ञा दी गई? कलकत्ता नगर को किस नए नाम की संज्ञा दी गई? कालीघाट है, कालीकता है, कोलकाता है या फिर कौन सा सही होगा? तो बड़ा आसान सा है, जल्दी से इसकी रिप्लाई करिए, कलकत्ता नगर को किस नए नाम की संज्ञा दी गई है? तो इसी का आ गया कोलकाता, बड़ा ही लड्डू सा क्वेश्चन है। अगला है हमारा, हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? मुद्राएं, कांसे के औजार, कपास या फिर जौ? हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? सर्वप्रथम किसमें थे? सर्वप्रथम किसमें थे? हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? चलिए भाई, विकल्प यहां पर हमारा सही कौन सा होगा? हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? आप लोगों की बहुत बढ़िया, महिमा सिंह की रिप्लाई पहले आती है, कपास, बिल्कुल सही जवाब है, विकल्प सी सही होता हमारा। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं,
महापाषाण संस्कृति 500 ईसा पूर्व से 100 हमें दक्षिण भारत के उस ऐतिहासिक युग से परिचित कराती है जब महापाषाण काल में उपयोग में लाए जाते थे कौन से क्या लाए जाते थे उपयोग, पत्थर से बने अस्त्र या औजार और उपकरण, या फिर घेरी गई समाधियां, या फिर पत्थर से बनाई हुई दैनिक उपयोग की सामग्री। महापाषाण संस्कृति हमें दक्षिण भारत के उस ऐतिहासिक युग से परिचित करवाती है किससे, विकल्प कौन सा सही होगा। आप लोग 400 की संख्या पार करवा सकते हैं, थोड़ी सी मेहनत करेंगे 400 पार हो जाएगा, एक बार मेहनत तो करके देखिए। मेहनत है, जज्बा है, तो कुछ भी हो सकता है। 400 की संख्या, ज्यादा कुछ नहीं मुश्किल है, हम सोच रहे 500 कब होगा। विकल्प यहाँ पर हमारा सही हो जाता है, बिल्कुल सही जवाब विकल्प डी सही हो जाता है, पत्थर से बनी हुई दैनिक उपयोग की सामग्री, विकल्प आपका डी सही होता है। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हर्षवर्धन के समय में कौन सा चीनी तीर्थयात्री भारत आया था। हर्षवर्धन के समय में कौन सा चीनी यात्री तीर्थयात्री भारत आया था, फाहियान या फिर कौन सा विकल्प सही होगा, जल्दी से बताइए। विकल्प यहाँ पर हमारा कौन सा सही होगा, विकल्प यहाँ पर हमारा सही हो जाता है डी, वेन सॉन्ग है, विकल्प डी सही होता है, वेन सॉन्ग है। अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन आप सभी के लिए, यहाँ पर आप ध्यान से देखिए। चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय, चालुक्य राजा थे पुलकेशिन द्वितीय को किसने पराजित किया था, चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय को किसने पराजित किया, महान वर्मन प्रथम, नरसिंह वर्मन प्रथम, या फिर परमेश्वर वर्मन प्रथम, या फिर जटिल परंतक, कौन सा सही होगा। जब हम बढ़ने की बात करते हैं आप लोग घटना शुरू कर देते हैं। आगे आगे देखिए, चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय को किसने पराजित किया, तो विकल्प यहाँ पर हमारा सही हो जाता है विकल्प बी, नरसिंह वर्मन प्रथम, विकल्प बी आपका सही होता है, नरसिंह वर्मन प्रथम। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा अगला बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसे इतिहासकारों ने विरोधाभासों का मिश्रण बताया, किसे बताया है कि विरोधाभासों का मिश्रण है, इनमें विरोधाभासों का मिश्रण, चलिए विकल्प यहां पर हमारा डी सी हो जाता है, बिल्कुल सही है, मोहम्मद बिन तुगलक, विकल्प डी सी होता है, मोहम्मद बिन तुगलक है। अगले क्वेश्चन में, लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था, लोधी वंश का अंतिम शासक आपको बताना है, लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था, लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था, बहलोल लोधी, इब्राहिम लोधी, दौलत खान लोधी, या फिर सिकंदर लोधी, विकल्प हमारा कौन सा सही होगा, लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था, लोधी वंश का अंतिम शासक आपको बताना है, लोधी वंश का अंतिम शासक, लोधी वंश का अंतिम शासक, विकल्प आपका बी सही हो जाता है, इब्राहिम लोधी, इसका सही जवाब होगा इब्राहिम लोधी, इसका सही जवाब होगा, करेक्ट। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आप सभी के लिए, किस मुगल शासक ने भारत की वनस्पतियों और प्राणी जगत, ऋतुओं और फलों का विशद विवरण अपनी दैनंदिनी यानी कि डायरी में दिया, किस मुगल शासक ने भारत की जो वनस्पतियां और प्राणी जगत, ऋतुओं और फलों का विस्तृत विवरण अपनी डायरी में दिया, अकबर है, जहांगीर है, बाबर है, औरंगजेब है, विकल्प हमारा कौन सा सही होगा, तो विकल्प यहां पर हमारा सही हो जाता है सी, बाबर ने दिया। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है और अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर, फटाफट से देखिए, शेर शाह की महानता का द्योतक क्या है, शेर शाह की महानता का द्योतक आपको बताना है, शेर शाह की महानता का द्योतक क्या है, हुमायूं के विरुद्ध उसका विजय अभियान, श्रेष्ठ सैन्य नेतृत्व, प्रशासनिक सुधार, या फिर धार्मिक सहिष्णुता, ओके बाबर, आगे आ जाइए, आगे 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 आइए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आप सभी के लिए, थैंक यू। शेर शाह की महानता का द्योतक क्या है, विकल्प कौन सा हमारा सही होगा, शेर शाह की महानता का द्योतक, विकल्प सी सही हो जाता है, यहाँ पर हमारा प्रशासनिक सुधार है, विकल्प सी सही होता है, प्रशासनिक सुधार है। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन चलिए जल्दी से रिप्लाई करिए। भारत में निम्नलिखित में से वह कौन सा वन्य जंतु अभयारण्य है जहां गैंडों के संरक्षण की परियोजना चल रही है, गैंडों के संरक्षण की परियोजना, बहुत बढ़िया, कमेंट तो उड़े उड़े, आप लोगों को उड़ना चाहिए, आप लोग उड़ ही नहीं रहे हैं, आप लोग एकदम से स्लो मोशन में चल रहे हैं, एकदम से उड़ते रहिए तो समझ आए बात, उड़ते रहिए उड़ते रहिए उड़ते रहिए। जल्दी जल्दी से विकल्प यहां पर हमारा कौन सा सही होगा, बहुत बढ़िया, शाबाश। विकल्प यहाँ पर हमारा सी सी हो जाता है, काजीरंगा है। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, काजीरंगा इसका सही जवाब है, गैंडों के संरक्षण से काजीरंगा है। माउंट ब्ला निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला की ऊंची चोटी है, अब बताइए माउंट ब्ला निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला की ऊंची चोटी है, किधर की तरफ हम बढ़ेंगे,
माउंट ब्लान निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला की ऊंची चोटी है? एटलस है, रॉकीज है, एंडीज है, आल्प्स है? आगे बताइए भाई, आगे बताइए। माउंट ब्लां। विकल्प यहां पर हमारा सही हो जाता है डी, आल्प्स है। इसका सही जवाब आल्प्स होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे पढ़ेंगे। नेक्स्ट है, गंगा में दक्षिणी ओर से मिलने वाली नदी कौन सी है? ये देखने में आसान है लेकिन टफ क्वेश्चन है। गंगा में दक्षिणी ओर से मिलने वाली नदी कौन सी? बेतवा है, चंबल है, सोन है, केन है? गंगा में दक्षिणी ओर से मिलने वाली नदी कौन सी? बेतवा है, चंबल है, सोन है, केन है? बेतवा, चंबल, सोन, केन, विकल्प कौन सा हमारा सही होगा? चलिए जल्दी से बताइए। भारत में दक्षिणी ओर से मिलने वाली नदी कौन होगा? रिप्लाई भाई अब ना करे से, एकदम से सब जने सोई जाइए, अभी थोड़ी देर हुए बस इनके से एकदम नींद उद लागे शुरू हो जाए। इना के शांति से मतलब रिप्लाई करते रहिए फटाफट से। विकल्प सी सही हो जाता है, दिन भर आपको छोड़े रहते हैं, विकल्प सी सही हो जाता है। अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। नेक्स्ट है, साल और सागौन के वृक्ष निम्नलिखित में से किस प्रकार की वनस्पति में वनस्पति पट्टी में पाए जाते हैं? साल और सागौन के वृक्ष निम्नलिखित में से किस प्राकृतिक वनस्पति पट्टी में पाए जाते हैं? शीतोष्ण वन है, विषुवती वन है, उष्णकटिबंधीय वन है, मिश्रित वन है? विकल्प कौन सा हमारा सही होगा? साल और सागौन के वृक्ष निम्नलिखित में से किस प्राकृतिक वनस्पति पट्टी में पाए जाते हैं? कौन सा सही होगा? विकल्प सी उष्णकटिबंधीय वन, विकल्प सी सी होता हमारा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट टाइम बेहिसाब धन का उपयोग किसी उत्पादन कार्य में करने के लिए सरकार ने योजना कौन सी शुरू की है? आगे देखिए यहां पर इसको हम थोड़ा सा कर, एक मिनट। बेहिसाब धन का उपयोग किसी उत्पादन कार्य में करने के लिए सरकार ने योजना शुरू की थी, इसका नाम आपको बताना है, कौन सी योजना थी? बताइए जल्दी से, आगे आइए आगे अगले क्वेश्चन पर। विकल्प यहां पर हमारा कौन सा सही होगा? विकल्प यहां पर हमारा सी सही हो जाता है, भविष्य निधियां। विकल्प यहां पर हमारा सी सही होता है, भविष्य निधियां। अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। नेक्स्ट है, कोचीन रिफाइनरी निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के अंतर्गत आती है? कोचीन रिफाइनरी निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के अंतर्गत आती है? सार्वजनिक क्षेत्र है, संयुक्त है, निजी है, सहकारी क्षेत्र है? कोचीन रिफाइनरी, कोचीन रिफाइनरी कौन सा सही होगा? कोचीन रिफाइनरी विकल्प हमारा कौन सा सही होगा? सभी बच्चे एक बार जल्दी से वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे जबरदस्त तरीके से। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। बहुत बढ़िया, शाबाश। विकल्प यहाँ पर हमारा यही सही हो जाता है, जितनी भी ये बड़ी बड़ी मतलब एक तरीके से कंपनियां होती हैं सभी सार्वजनिक लगभग क्षेत्र की ही आती हैं। भारत में प्राकृतिक रबर का प्रमुख उत्पादन निम्नलिखित में से किस राज्य में होता है? प्राकृतिक रबर का प्रमुख उत्पादन निम्नलिखित में से किस राज्य में होता है? आंध्र प्रदेश में, केरल में, कर्नाटक में, तमिलनाडु में? आगे बताइए। भारत में प्राकृतिक रबर का प्रमुख उत्पादन, फिर स्लो फिर स्लो, माँ पीछे से ना धक्का देना पड़ता हमारे चट्ट से हमारे। चलिए जल्दी से फिर से फिर से फिर से स्लो फिर से। हाँ ठीक, चलो बाद में करा लग, चलो पहले क्वेश्चन देखा है मैं आगे। भारत में प्राकृतिक रबर का प्रमुख उत्पादन निम्नलिखित में से किस राज्य में होता है? विकल्प यहां पर हमारा सही हो जाता है, प्राकृतिक रबर, तो विकल्प आपका बी सही होगा, केरल है। कर्नाटक कौन बोलिस? आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए। हमारा क्वेश्चन है, चक्रवात निम्नलिखित में से किस कारण से आता है? चक्रवात निम्नलिखित में से किस कारण से आता है? चक्रवात का कारण क्या है? निम्न दाब है, उच्च तापमान, निम्न तापमान या फिर उच्च घनत्व, कौन सा सही होगा? चक्रवात निम्नलिखित में से किस कारण से आता है? हम बोलिस ना, आगे बढ़िए आगे बढ़िए, सब लोग अपना अपना ध्यान रखिए। अब मोटे लोग बहुत तेज दौड़ लेते हैं, नहीं दौड़ के दिखाओ। विकल्प चक्रवात निम्नलिखित में से किस कारण आते हैं? विकल्प यहां पर हमारा सही हो जाता है भाई, देखिए ध्यान से देखिए, निम्न दाब है। विकल्प आपका ए सही हो जाता है, निम्न दाब है। अगले क्वेश्चन पर पढ़ेंगे। नेक्स्ट है, भारत का वह कौन सा बंदरगाह जिसे मुक्त व्यापार, यहां पर देखिए एक मिनट रुकिए, भारत का वह कौन सा बंदरगाह जिसे मुक्त व्यापार क्षेत्र कहा जाता है? भारत का वह कौन सा बंदरगाह जिसे मुक्त व्यापार क्षेत्र कहा जाता है? तो कोच्चि है, पारादीप है, कांडला है, तूतीकोरिन है, कौन सा सही होगा? नहीं मतलब हम अगर मोटे हैं तो हम क्वेश्चन ज्यादा तेज करवा रहे हैं,
पहली बात तो खुद दौड़ेंगे तभी तो दौड़वाएंगे, तो हम दौड़ दौड़ के तो गिर ही जा रहे हैं ना, हम तो दौड़ ले रहे हैं ना, तो आप लोग भी दौड़िए, खूब दौड़िए, एकदम से हम लोग टिड्डी बन जाएंगे और जो टिड्डी है वो एकदम से गायब हो जाएंगे फुर। भारत का वो कौन सा बंदरगाह जिसे मुक्त व्यापार क्षेत्र कहा जाता है? विकल्प यहाँ पर हमारा सही हो जाता है, विकल्प यहाँ पर सही हो जाता है कांडला है, विकल्प सी सही हो जाता है कांडला है, ठीक बा, सी है कांडला। आगे बढ़ी थे नेक्स्ट क्वेश्चन बा, निम्नलिखित में से किन दो पत्तनों बंदरगाहों से कुद्रेमुख लौह अयस्क का निर्यात किया जाता है? निम्नलिखित में से किन दो पत्तनों बंदरगाहों से कुद्रेमुख लौह अयस्क का निर्यात किया जाता है? विकल्प कौन सा सही होगा? चलिए भाई फटाफट से रिप्लाई करते रहिए। कांडला और यहाँ पर मुंबई है, मार्मा गोवा और बैंगलोर है, कोची और तूतीकोरिन है, पारादीप और कोलकाता। विकल्प कौन सा हमारा सही होगा? आगे फिर स्लो फिर स्लो, आप कह रहे हैं उड़ जाओ भाई उड़ो उड़ो, लेकिन नहीं, जमीन पकड़ के धंस गए एकदम से। विकल्प यहां पर हमारा सही हो जाता है बी, मार्मा गोवा और मैंगलोर है। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिए, गरान बन होते हैं कहां पर पाए जाते हैं? गरान बन कहां पर पाए जाते हैं? आपको ये क्वेश्चन हम करवाए हैं, गरान बन कहां पाए जाते हैं? ऊंचे पर्वतों पर, बर्फीले मैदानों में, तटीय दलदल में, भीतरी पठारों में। विकल्प कौन सा सही होगा? गरान बन होते हैं, विकल्प यहां पर हमारा सी से हो जाता है, तटीय दलदल में पाए जाते हैं, ठीक बा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन यहां पर ध्यान से देखिए, ये पंचायती शुरू पंचायती इनको बड़ी बड़ी बढ़िया लगी, खाली क्वेश्चन ना करवा लो इनसे, खाली पढ़ने को ना बोलो और दुनिया के सारे काम करवा लो, बड़ी तेज करेंगे। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? मिसिसिपी, अमेजन, सिंधु, नील। चलो जल्दी मारा तुक्का मारा, चाहे एकदम से फर्राटा, चाहे जैसे वो क्वेश्चन वक्त रिप्लाई हो तो चाहे बस। विश्व की सबसे लंबी नदी मिसिसिपी, अमेजन, सिंधु, नील। विकल्प यहां पर हमारा सही हो जाता है बी, डी सही हो जाएगा, नील है। बालम खीरा, इससे क्या होता है? अरे सब जाग जाएंगे, पता नहीं कौन सी दवा मम्मी तो और बता रही है। निम्नलिखित में से चीन की वह कौन सी नदी है जो एलो रिवर, देखिए यहां पर ध्यान से देखिए, निम्नलिखित में से चीन की कौन सी नदी जिसे पील नदी, जिसे पीली नदी या फिर एलो रिवर के नाम से जाना जाता है, कौन सी नदी होगी? बिल्कुल कौन सा हमारा सही होगा जल्दी से बताइए। हमारे प्यारे बच्चे एकदम से शेर हैं जबरदस्त वाले, कोई लक के तो दिखाए। देखा तनी ना एका कौन अरे क्वेश्चन में देखा तभी तो रिप्लाई आए। हवांग हो, एका सही जवाब बा हवांग हो, ऑप्शन ए सही बा हवांग हो। आगे बढ़ी था नेक्स्ट क्वेश्चन बा, आगे क्वेश्चन कौन से है? निम्नलिखित में से वह देश कौन सा है जो भारत से छोटा है? आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा देश है जो भारत से छोटा है, भारत से छोटा कौन सा देश है? यहाँ पर जल्दी से बताइए, भारत से छोटा, भारत से छोटा कौन सा देश है? चलिए भाई विकल्प यहां पर हमारा सही हो जाता है, आप लोगों की रिप्लाई में कई सारे नाम आ रहे हैं। क्षेत्रफल के अनुसार अगर हम बात करते हैं तो यहां पर देखिए, क्षेत्रफल के अनुसार में सबसे पहले तो रूस आ जाता है, रूस आएगा, फिर उसके बाद से क्या आता है? हाँ सही जवाब आता है अर्जेंटीना, पहले रूस आता है फिर उसके बाद से और सारे आते हैं, तो उसमें से अर्जेंटीना जो होता है भारत से छोटा होता है। ये जो अर्जेंटीना ना भारत सातवें नंबर पर है, अर्जेंटीना आठवें नंबर पर आता है क्षेत्रफल की दृष्टि में, और फिर उसके बाद से भारत सातवें नंबर पर आता है, छठे नंबर पर फिर ऑस्ट्रेलिया है, फिर उसके पाँचवें नंबर पर आता है ब्राज़ील है, फिर चौथे नंबर पर अमेरिका है, और फिर तीसरे नंबर पर चीन है, दूसरे नंबर पर कनाडा है, और पहले नंबर पर रूस है। तो हमने आपको उल्टे से बताया है ना, उल्टे से बताया है, आठ नंबर से लेकर के पहले नंबर तक बता दिया, तो ये ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ेंगे ना, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ेंगे, हमारा अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन।
निप्पन जापान को दिया गया नाम है जिसका अर्थ क्या होता है? निप्पन जापान को दिया गया नाम है जिसका मतलब क्या होता है? निप्पन जापान को दिया गया नाम है जिसका क्या मतलब होता है? कनाडा 3 नंबर पर क्षेत्रफल की दृष्टि से, राइट? हाँ एकदम राइट भाई, एकदम चकाचक सही बात, बहुत बढ़िया बात, क्षेत्रफल की दृष्टि से। आगे बढ़ा देखा भैया, निप्पन जापान को दिया गया नाम है जिसका अर्थ क्या होता है? जापान को दिया गया नाम है तो विकल्प यहाँ पर हमारा सही हो जाता है, ये सूर्योदय का देश है, सूर्योदय का देश है। अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे, नेक्स्ट है हमारा, अगला क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस, पौधा घर गैस है? बड़ा आसान सा क्वेश्चन है भाई, यो में रिप्लाई में देखा सबका एकदम से ना नहीं याद आ जाती नहीं, यो रिप्लाई है ना कहीं पावत है ना सब जने। नाइट्रोजन है, चला भाई विकल्प यहाँ पर हमारा बी सी हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड है। अगले क्वेश्चन पर पढ़ेंगे, नेक्स्ट, भारतीय रेलवे का डीजल इंजन लोकोमोटिव वर्क्स निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? विकल्प सी सही हो जाता है यहाँ पर, बनारस है, विकल्प सी बनारस है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन पर, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग सभी औद्योगिक गतिविधियों की आधारभूमि और मातृ उद्योग माना जाता है? बहुत ही बढ़िया सा क्वेश्चन है, यहाँ पर ध्यान से देखिए और रिप्लाई करिए, बहुत बढ़िया। निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग सभी औद्योगिक गतिविधियों की आधारभूमि और मातृ उद्योग माना जाता है? ये सभी आप लोगों की कृपा है, अगर संख्या बढ़ रही है तो आप लोगों का सहयोग है। निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग सभी औद्योगिक गतिविधियों की आधारभूमि और मातृ उद्योग माना जाता है? तो यहाँ पर हमारा विकल्प सही हो जाता है, ध्यान से देखिए और रिप्लाई करते रहिए। विकल्प यहाँ पर सी सही हो जाता है, लोहा और इस्पात उद्योग। एक बार आराम करिए, फिर उसके बाद से फिर से जोश से जुड़ जाइए। हमारे बनारस, हमारे बनारस, हमारे बनारस, हमारे तेको उत्तर हुआ ना आवते का ऑप्शन हुआ जौनपुर हुए, हम कहीं हमारा जौनपुर, हमारा जौनपुर, हमारा जौनपुर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आप सभी के लिए, बहुत बढ़िया, शाबाश, जबरदस्त। अंकलेश्वर किसके लिए जाना जाता है? अंकलेश्वर में क्या मिलता है? स्वर्ण है, कोयला है, गैस है, तेल है, क्या मिलता है अंकलेश्वर में? अंकलेश्वर तेल, लोहा मिलता है अंकलेश्वर में, तेल मिलता है। विकल्प आपका डी सी हो जाता है, मछली का तेल मिलता है, मछली का तेल। अगला क्वेश्चन हमार, अगला क्वेश्चन बा, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से वो कौन सा राज्य जिसकी, ध्यान से देखिए आप लोग इसमें गड़बड़ी करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य जिसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं 3 देशों के साथ लगती हैं? निम्नलिखित में से कौन सा राज्य जिसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं 3 देशों के साथ लगती हैं? विकल्प यहाँ पर हमारा कौन सा सही होगा? निम्नलिखित में से वह कौन सा राज्य जिसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं 3 देशों के साथ लगती है? पश्चिम बंगाल है, सिक्किम है, मिजोरम है, त्रिपुरा है। इसका सही जवाब आपका हो जाएगा विकल्प ए, पश्चिम बंगाल है, वेस्ट बंगाल इसका सही जवाब है 100%। रिविजन करवा दें, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, हमारा अगला क्वेश्चन, द ईस्ट इंडियन रेलवे कंपनी की स्थापना निम्नलिखित में से किस ईस्वी में हुई थी? द ईस्ट इंडियन रेलवे कंपनी की स्थापना निम्नलिखित में से किस ईस्वी में हुई थी? चलिए आगे बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही होगा? विकल्प यहां पर डी हमारा सही हो जाता है, 1844 से, इसका सही जवाब है 1844 से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, गन्ने का मूल उत्पादक देश निम्नलिखित में से कौन सा? जो गन्ना है, ईख है, हमारे यहाँ उखुड़ बोल जाते हैं, उखुड़ है, मतलब उखुड़ के मूल उत्पादक देश कौन है? इंडोनेशिया बा, क्यूबा बा, भारत बा, मिस्र बा। आगे बढ़ा, आगे देखा, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन बा, विकल्प कौन सा सही होगा? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, विकल्प यहां पर हमारा सही हो जाता है, अपना देश महान है, विकल्प आपका सी सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाखड़ा नांगल बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर बना हुआ है? भाखड़ा नांगल बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर बना हुआ है? भाखड़ा नांगल बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर बना हुआ है? ब्यास है, सतलज है, झेलम है, रावी है। विकल्प यहां पर हमारा बी सही हो जाता है, सतलज है, इसका सही जवाब है। अब आप लोग एकदम से सुस्त हो गए हैं, इनएक्टिव, इसका सही जवाब हो जाता है बी, सतलज है, इसका सही जवाब।
अगले क्वेश्चन पर हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन, संसार में मछली पकड़ने के स्थान वहां पर पाए जाते हैं जहां मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है ये, विकल्प कौन सा सही होगा। संसार में मछली पकड़ने के स्थान वहां पाए जाते हैं जहां पर क्या होता है, ज्वार आते हैं, उष्ण और शीतल धाराएं मिलती, भाटे आते हैं, ऊंची नीची तूफानी लहरें उठती रहती हैं। संसार में मछली पकड़ने के स्थान वहां पाए जाते हैं जहां पर, विकल्प आपका यहां पर हमारा सही हो जाता है, बिल्कुल सही है बी, उष्ण और शीतल धाराएं मिलती हैं। अगले क्वेश्चन पर पढ़ेंगे। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ये देखिए ध्यान से, भारत में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में लोहे और कोयले की भंडार सर्वाधिक है। भारत में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में लोहे और कोयले के सर्वाधिक भंडार हैं। भारत में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में लोहे और कोयले के सर्वाधिक भंडार हैं। बताइए जल्दी से। तो विकल्प यहां पर हमारा कौन सा सही होगा भाई, जल्दी जल्दी से, बहुत बढ़िया। रुकना नहीं, थकना नहीं है, हारना नहीं है, हिम्मत नहीं हारनी है, जोश और जुनून आप में तब तक होना चाहिए। हम तो कहते हैं एग्जाम को छोड़ के मरते दम तक आप में जोश और जुनून जरूर होना चाहिए। विकल्प आपका बी सही हो जाता है, छोटा नागपुर का पठार है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन एकदम से जबरदस्त तरीके से, चलिए भाई देख लीजिए, मिक्सअप पूरा पूरा मिक्स क्वेश्चन है, हमें तो थकान ही नहीं लगती है। विकल्प यहां पर देखिए ध्यान से, भारत में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में लोहे और इसके सर्वाधिक भंडार हैं, तो ये तो आप लोगों देख लिया। अगला क्वेश्चन यहां पर ध्यान से देखिए, भारत के संविधान के अनुच्छेद 75(3) के अनुसार मंत्रिपरिषद निम्नलिखित में से किसके प्रति सामूहिक रूप से जिम्मेदार होती है। सामूहिक रूप से किसके प्रति जिम्मेदार होती है आपको बताना है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 75(3) राष्ट्रपति, संसद, लोकसभा या फिर राज्यसभा, विकल्प कौन सा हमारा सही होगा, चलिए भाई जल्दी से बताइए। भारत के संविधान के अनुच्छेद 75(3) के अनुसार मंत्रिपरिषद निम्नलिखित में से किसके प्रति सामूहिक रूप से जिम्मेदार होती है, तो ये विकल्प यहां पर हमारा सही हो जाता है, सामूहिक रूप से जिम्मेदार, विकल्प सी सही हो जाता है, लोकसभा के प्रति होती है। ध्यान दीजिएगा आप लोग इसमें गलती करते हैं, विकल्प आपका सी सही होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, साम्यवाद महत्व देता है किसको, साम्यवाद किसको महत्व देता है, राजनीतिक समता हो, आर्थिक समता हो, सामाजिक या फिर प्राकृतिक। विकल्प सी हमारा सही हो जाता है, सामाजिक समता को, विकल्प सी सही होता है, सामाजिक समता है। नेक्स्ट, राज्य विधानमंडल के अपर हाउस का सृजन, राज्य विधानमंडल के अपर हाउस का सृजन या उन्मूलन की शक्ति निम्नलिखित में से किसमें निहित है। राज्य विधानमंडल के अपर हाउस का सृजन या उन्मूलन करने की शक्ति निम्नलिखित में से किसमें निहित है। आगे बढ़िए, राज्य विधानमंडल की अपर हाउस का सृजन या उन्मूलन करने की शक्ति निम्नलिखित में से किसमें निहित है। विकल्प यहां पर हमारा बी सही हो जाता है, संसद में, किसमें निहित है, विकल्प आपका बी सही हो जाता है, संसद में निहित है। अगले क्वेश्चन पर पढ़ेंगे, क्या है भाई क्या बात है, एकदम से फिर से सीट पानी है तो त्याग तपस्या तो करनी पड़ेगी। अब त्याग वो किस रूप में है, आपकी चाहे नींद का त्याग करना हो और चाहे आपके सुकून का त्याग करना हो, तो त्याग तो कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से ऐसी कौन सी आपात स्थिति है जिसकी, ध्यान से देखिएगा ये आप लोग सही कर ले जाएंगे, निम्नलिखित में से ऐसी कौन सी आपात स्थिति है जिसकी घोषणा अभी तक भारत में नहीं की गई है, कौन सा सही होगा, चलिए जल्दी से बताइए। आगे विकल्प यहां पर सही हो जाता है हमारा डी, किसी ने भी अगर मेंटली डिस्टर्ब होकर के रिप्लाई किया ना, एक आध दो रिप्लाई आ गई है, तो अगर मेंटली डिस्टर्ब होकर के रिप्लाई किया ना, तो फिजिकली हम यहाँ से एकदम से डिसअपियर करवा देंगे, ब्लॉक करेंगे तुरंत। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस स्थिति में बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी की जाती है, निम्नलिखित में से किस स्थिति में बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी की जाती है। संपत्ति अतिरिक्त कर की वापसी, दोषपूर्ण पुलिस नजरबंदी, भाषण की स्वतंत्रता का उल्लंघन, विकल्प हमारा कौन सा सही होगा, जल्दी से बताइए। बहुत बढ़िया, निम्नलिखित में से किस स्थिति में बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी की जाती है। विकल्प यहां पर हमारा सही हो जाता है, विकल्प सी, दोषपूर्ण पुलिस नजरबंदी है इसका सही जवाब। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे, ये यहां पे फिर इसके बाद से हम सुपरफास्ट रिविजन कराते हैं। सुपरफास्ट रिविजन एकदम से मिस ना कीजिएगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट पोर्सन होता है। लोकसभा के अध्यक्ष को क्या नहीं प्राप्त है और क्या प्राप्त है, यहाँ पर चारों विकल्प आप पढ़िए, फिर उसके बाद रिप्लाई करिए।
लोकसभा के अध्यक्ष को सामान्य परिस्थितियों में मत देने का अधिकार नहीं है या फिर केवल टाई पड़ने पर मत देने का अधिकार है, तो कौन सा सही होगा? यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, लोकसभा के अध्यक्ष को, विकल्प यहाँ पर हमारा बी सही हो जाता है, केवल टाई पड़ने पर मत देने का अधिकार है, राइट। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हम यहां पर करेंगे सुपरफास्ट रिविजन। चलिए यहां पर पहला क्वेश्चन तो आपको यहां पर दिख गया, इसकी रिप्लाई दिख गई है, चलिए कोई बात नहीं। भारतीय संविधान में उद्देशिका को क्या कहा जाता है? चलिए रिवीजन क्लास है, रिवीजन क्लास फटाफट से रिवीजन क्लास हम लोग करेंगे, रिवीजन क्लास एकदम से। भारतीय संविधान में उद्देशिका का विचार लिया गया है, उद्देशिका का विचार कहां से लिया गया आ जाइए, बहुत बढ़िया, भारतीय संविधान में उद्देशिका का विचार, शाबाश, फटाफट से आप लोगों की रिप्लाई आनी चाहिए, आगे आ जाइए हमारे प्यारे बच्चों, एकदम से इतना देर तक जगे, भगवान करें आप लोग सफल हो जाए, एक सीट आपकी मिल जाए, तो विकल्प यहाँ पर हमारा सही हो जाता है, कहाँ से लिया गया भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार, विकल्प आपका डी सही हो जाता है, यूएसए के संविधान से लिया गया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से सर्वोच्च कौन है? विकल्प आपका बी सही हो जाता है, संविधान है। अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे, फटाफट से कवर करते हुए चलेंगे। अब पता है जब भी रिवीजन हो आपका टारगेट हमेशा होना चाहिए कि आप 100% सही कर पाए, 100% का टारगेट हमेशा लेकर के चलिए रिवीजन क्लास में, शांति से पढ़िए, धैर्य के साथ पढ़िए। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना किस देश के संविधान पर आधारित है? इसका हमारा सही जवाब हो जाता है, कौन सा सही होगा भाई? विकल्प नीति निर्देशक जो है ये आयरलैंड है, विकल्प बी सही हो जाता है, आयरलैंड है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो भारतीय संविधान को बांटा गया है, एक मिनट, भारतीय संविधान को 22 भागों में बांटा गया है, भारतीय संविधान को 22 भागों में, कहां पर है ये 22? विकल्प आपका बी सही हो जाता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ रहा है, अगला क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में है? आपको बताना है समवर्ती सूची में कौन सा है। ये आता है विकल्प आपका बी, शिक्षा है, बिल्कुल सही जवाब है। अगले क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? चलिए भाई, विकल्प यहां पर हमारा सही हो जाता है, लोक कल्याण। अगला क्वेश्चन है, डिटेल आपको हम सब बता चुके हैं, पता है सफलता की ना सबसे खास बात क्या होती है? ये मेहनत करने वालों पर फिदा होती है, जो मेहनत करता है ना सफलता का टेस्ट चखता है, सफलता का स्वाद चखता है, और सफलता का जो स्वाद होता है ना सबसे अलग होता है, सबसे यूनिक होता है, सबसे जबरदस्त होता है, बेमिसाल होता है, लाजवाब होता है। अगले क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? विकल्प कौन सा हमारा सही होगा? बहुत बढ़िया, विकल्प सी सही हो जाता है, उद्देशिका, विकल्प सी सही हो जाता है, उद्देशिका। अगले क्वेश्चन पे पढ़ेंगे, नेक्स्ट है, संपूर्ण राष्ट्रगान का वादन काल क्या है? विकल्प यहां पर हमारा सी सही हो जाता है, 52 सेकंड, वैसे 20 है और पहली और अंतिम पंक्ति गाई जाती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आप सभी के लिए है, अगला क्वेश्चन फटाफट से आप लोग देखते रहिए और रिप्लाई करते रहिए, भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कब किया गया था? तो विकल्प यहां पर हमारा सही हो जाता है, विकल्प ए 1956 में, 1956 में। नेक्स्ट है, भारत के संविधान के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद कारखानों में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध करता है? तो विकल्प यहां पर हमारा डी सही हो जाता है, अनुच्छेद 24 है। बहुत बढ़िया, शाबाश भाई, क्या बात है, अगले क्वेश्चन पर पढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बीच के सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार, ये किसके अंतर्गत है? ये इनका मूल अधिकार है, विकल्प आपका बी सही हो जाता है, ये इनका मूल अधिकार है। अगला है, कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश भारत के संविधान में है? किसमें है? विकल्प यहां पर आपका सही हो जाता है, ये राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन अगला, बहुत बढ़िया, शाबाश भाई, जीत और हार ना आपकी सोच पर निर्भर करती है, मान लो तो जीत होगी और ठान लो तो ना, मान लो तो हार होगी और जीत लो तो ठान लो तो जीत होगी, क्या हो जा रहा है, कंफ्यूज हो जा रहे हैं हम खुद ही। जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करती है, मान लो तो हार हो जाएगी और ठान लो तो जीत होगी, अब सही हुआ, भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। विकल्प कौन सा सही होगा
विकल्प यहां पर हमारा सही हो जाता है डी, संसद द्वारा। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए, अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद है तो उस विवाद को सौंपा जा सकता है कहां पर? इस विवाद को कहां पर सौंपा जा सकता है? भाई ये ना दिमाग की बत्ती तो ऐसे गुल रहती है ना कि मतलब पूरी तरीके से क्वेश्चन स्क्रीन कहीं दिमाग भजता ही नहीं है। विकल्प यहाँ पर हमारा सही हो जाता है सी, भारत के सर्वोच्च न्यायालय को। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, अरे दूसरा कोटेशन बोल देंगे, तगड़ा बोल देंगे, मुझे तो बहुत सारी याद है। अगला, यदि मृत्यु, त्याग पत्र और हटाए जाने की स्थिति में तो भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए तो उस पद का कार्यभार कौन संभालेगा? तो विकल्प में आपका उपराष्ट्रपति दिख गया, उपराष्ट्रपति नहीं रहेंगे तो मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के फिर वो नहीं रहेंगे, वरिष्ठम होंगे फिर वो नहीं रहेंगे, फिर ऐसे ऐसे हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिए, अगला क्वेश्चन आ रहा है आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, यंग इंडिया पुस्तक के लेखक, यंग इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है भाई? यंग इंडिया पुस्तक के लेखक, यंग इंडिया पुस्तक के लेखक, आगे देखिए, आगे देखिए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, यंग इंडिया, विकल्प यहां पर हमारा डी सी हो जाता है, लाला लाजपत राय। और पत्रिका की अगर बात करेंगे तो महात्मा गांधी। गदर पार्टी के संस्थापक, गदर पार्टी के संस्थापक, खुद को इतना कमजोर मत होने दो कि तुम्हें किसी के एहसान की जरूरत पड़े, खुद पे डिपेंडेंट बनो, खुद पे आश्रित रहो, किसी दूसरे के एहसान की जरूरत नहीं हो जिंदगी में। दूसरा कोई जब भी आपको कुछ करता है ना, एहसान करता है, जताता है। गदर पार्टी के संस्थापक, विकल्प यहां पर हमारा सही हो जाता है सी, लाला हरदयाल। अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। नेक्स्ट है, मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? आगे देखिए, बिल्कुल सही जवाब, विकल्प यहां पर हमारा सही हो जाता है 1906। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, वंदे मातरम गीत के रचयिता का नाम बताना है। बहुत बढ़िया, शाबाश, बच्चों की दाल देनी पड़ेगी। वंदे मातरम गीत के रचयिता का नाम बताना है, वंदे मातरम गीत के रचयिता का नाम, बिल्कुल सही जवाब, विकल्प भी सही हो जाता, बंकिम चंद चैटर्जी। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, बंकिम चंद चैटर्जी, अगला क्वेश्चन आ रहा है आप सभी की स्क्रीन पर, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन यहाँ पर, देखिए नील विद्रोह कब प्रारंभ हुआ था, नील विद्रोह कब प्रारंभ हुआ था, नील विद्रोह कब प्रारंभ हुआ था? आगे देखिए, नील विद्रोह आरंभ, विकल्प यहाँ पर हमारा ए सही हो जाता है 1859 में। अगला क्वेश्चन है, इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक अध्यक्ष थे, इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक अध्यक्ष, आगे इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक अध्यक्ष थे, विकल्प यहां पर हमारा सी सही हो जाता है सुरेंद्र नाथ बैनर्जी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन, मास्टर दा के नाम से विख्यात स्वतंत्रता सेनानी का मूल नाम है। आगे आगे देखिए, मास्टर दा के नाम से विख्यात स्वतंत्रता सेनानी का मूल नाम, बिल्कुल सही जवाब है सूर्य सेन, विकल्प आपका बी सही हो जाता है। अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए बनाई गई समिति का नाम क्या है? जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए बनाई गई समिति का नाम, बहुत बढ़िया, शाबाश भाई शाबाश। डूब कर मेहनत करो अपने आज पर, कल जब उभरोगे ना सबसे अलग ही निखरोगे, निखार जो होगा ना चेहरे पे और डूब करके उभरने वाला निखार होगा। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए बनाई गई समिति का नाम, विकल्प यहां पर हमारा सही हो जाता है बी, हंटर कमीशन है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, बहुत बढ़िया, हुर्र आगे शाबाश, क्या बात है, ऐसे ही होता है जोश और एकदम से मस्ती वाली क्लास। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी में किस महीने में आरंभ हुआ था, किस महीने में आरंभ हुआ था? विकल्प हमारा कौन सा सही होगा? बहुत बढ़िया शाबाश, आपकी हिम्मत की दास देते हैं, शाबाश, क्या बात है, जबरदस्त। चलिए भाई बहुत बढ़िया, विकल्प यहाँ पर सही सही हो जाता है अगस्त में। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, गांधी इरविन समझौता हुआ था कब, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? बिल्कुल सही जवाब है यहाँ पर हमारा बी सही हो जाता है 1931 में, शाबाश, विकल्प बी सही होता है 1931 में। अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। भारत में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी कब?
भारत में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई थी? चलिए जल्दी से, शाबाश, क्या बात है, क्या बात है, जबरदस्त एनर्जी का लेवल मेरे से सीखिए ना, एनर्जी का लेवल। जब पहला सेंटेंस बोलते हैं, हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल मंडी एग्जाम टारगेट पर, और लास्ट में बाय, गुड नाइट, लव यू ऑल, जय हिंद, वंदे मातरम कहने के बीच में हमारी पिच में थोड़ा सा भी डिफरेंस नहीं होता है। भारत में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी, विकल्प यहाँ पर हमारा सही हो जाता है सी 1774 में, ऑप्शन आपका सी सही हो जाता है, ऑप्शन सी सही हो जाता है। कांटों पर चलने वाला व्यक्ति मंजिल तक जल्दी पहुंच जाता है, क्योंकि जो कांटे होते हैं ना पैरों की रफ्तार को बढ़ा देते हैं। तो कांटों पर चलने का मतलब है जो आप त्याग कर रहे हैं, जो आप दुख झेल रहे हैं, जो परेशानी को समझ रहे हैं, परेशानी में भी आप अच्छा कर रहे हैं। अमावस्या के अवसर पर जब धरती से देखने पर सूर्य और चांद एक ही संयोजन में देखे तो इस व्यवस्था को क्या कहते हैं? विकल्प यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ए, सूर्य ग्रहण कहते हैं, विकल्प ए सही हो जाता है, सूर्य ग्रहण। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आप सभी के लिए, अगला क्वेश्चन आ रहा है, शुक्र के वातावरण में निम्न गैसों में से कौन ज्यादातर कौन सी शामिल होती है, ज्यादातर कौन सी शामिल होती है? विकल्प यहां पर हमारा सही हो जाता है डी, कार्बन डाइऑक्साइड होती है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे, पेरिस किस नदी के किनारे स्थित है, पेरिस किस नदी के किनारे स्थित है? बहुत बढ़िया, पेरिस किस नदी के किनारे स्थित है? विकल्प यहां पर हमारा ए सही हो जाता है, सीन नदी के किनारे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ेंगे, अगला है, किस नदी को चीन का दुख कहा जाता है, किस नदी को चीन का दुख कहा जाता है? स्ट्रगल के समय ना हर आदमी अकेला होता है, लेकिन जब सफलता मिलती है ना पूरी दुनिया साथ हो जाती है। तो आप पूरी दुनिया के साथ चलना चाहते हैं या अकेले चलना चाहते हैं? अकेले तो हमेशा आपको चलना है, लेकिन जब पूरी दुनिया आपको एकदम से वो करती है ना कि एक सलामी ठुकती है, भैया उनकी लड़की जा रही है, फलाने का लड़कवा जा रहा है, फलाने की बिटिया जा रही है, तो जब मतलब सीना इतना चौड़ा हो जाता है भाई, मन से अंदर से गजब का लगता है सुन के भी ना, फिर जब वो इग्नोर मार के आप बढ़ते हैं भाई, वो वाली जो फीलिंग होती है ना जल्दी से लीजिए, बड़ी तगड़ी होती है, सीरियसली बता रहे हैं। बोलते तो हैं हम, सुनते भी हैं, आप भी सुनेंगे, लेकिन लगता है कि मजा आ रहा है। किस नदी को चीन का दुख कहा जाता है? विकल्प यहाँ पर हमारा सही हो जाता है, वांगो नदी, विकल्प बी। तो अब यहाँ पर चलिए, अगला रिविजन स्टार्ट होता है, हमारा अगला रिविजन स्टार्ट होता है, गदर पार्टी के प्रमुख नेता, आगे बढ़िए भाई, आगे बढ़िए, नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन की तरफ। हमारी बात समझ आ रही है कि नहीं आपको? समझ आ रही है, हैं? कहाँ गए लो सब लोग, हमको खुद ही ना दिखा दो। चलिए भाई, गदर पार्टी, गदर पार्टी आ जा सबन, विकल्प यहां पर हमारा सही हो जाता है, पहले इसको जूम कर लेते हैं ना। गदर पार्टी के प्रमुख नेता, विकल्प यहां पर हमारा बी सही हो जाता है, लाला हरदयाल, सभी को पता है विकल्प बी सही हो जाता है हमारा, लाला हरदयाल सही हो जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, अगला क्वेश्चन आगे नेक्स्ट है हमारा, भारत से ब्रिटेन की ओर संपत्ति की अपोहन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? अगला क्वेश्चन है, हमारी बात आपको गलत तो नहीं लग रही है? अगला क्वेश्चन है, भारत से ब्रिटेन की ओर, विकल्प यहां पर हमारा सही हो जाता है, देखिए दादा भाई नौरोजी थे। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, जोश कम नहीं होना चाहिए, जोश फीका नहीं पड़ना चाहिए, जो सपना आप देखें ना वो सपना बहुत आसानी से मिलने वाला नहीं है, मिलेगा लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी। निम्नलिखित में से किस युद्ध से भारत में मुगल राज्य की नींव पड़ी है? चलिए आगे देखिए, बहुत बढ़िया, विकल्प यहां पर हमारा कौन सा सही होगा? विकल्प यहां पर सी सही हो जाता, पानीपत का प्रथम युद्ध था। अगले क्वेश्चन पर पढ़ेंगे, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन अगला है, कांग्रेस का 1926 का अधिवेशन जिसमें स्वराज्य को लक्ष्य घोषित किया गया कहां पर हुआ था? विकल्प स्वराज्य जिसमें घोषित किया गया था, विकल्प आपका बी सही हो जाता है, ये कलकत्ता था। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए अगला क्वेश्चन, एक अगला क्वेश्चन, गांधी जी ने दांडी यात्रा कहां से शुरू की थी? अगला क्वेश्चन, दांडी यात्रा कहां से शुरू की गई थी, गांधी जी ने दांडी यात्रा कहां से शुरू की थी? बहुत ही आसान सा है, विकल्प यहां पर हमारा सही हो जाता है, अहमदाबाद। खुद पर विश्वास करना सीखिए, इतना विश्वास हो आपको ना कि आपको ये कॉन्फिडेंस इतना ज्यादा होना चाहिए कि मैं ये एग्जाम क्वालिफाई कर सकता हूँ। विश्वास एक ऐसी शक्ति है ना जिससे उजड़ी हुई दुनिया में भी ना प्रकाश लाया जा सकता है, मतलब विश्वास के बल पे ही दुनिया में कुछ भी किया जा सकता है। विश्वास ही एक ऐसी चीज है, खुद पर विश्वास करिए कि मैं ऐसा कर सकता हूँ या मैं ऐसा कर सकती हूँ। आप 100% वो काम कर ले जाएंगे, चाहे करके देख लीजिए, सोच के देख लीजिए, लेकिन विश्वास होना जरूरी है। और विश्वास इस लेवल का हो कि उसमें लेश मात्र का भी संशय नहीं होना चाहिए। विकल्प यहाँ पर हमारा अहमदाबाद सही हो जाता है, ए। अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे, कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस
वर्ष पारित किया था, किस वर्ष पारित किया था कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव, किस वर्ष पारित किया था? विकल्प यहां पर हमारा कौन सा सही होगा? चलिए जल्दी से बताइए, विकल्प यहां पर हमारा कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया था? तो यहां पर हमारा विकल्प सही हो जाता है 1942 होगा, बहुत ही आसान सा है। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारतीय और यूनानी कला के अभिलक्षणों को सम्मिलित करने वाली कला शैली का नाम क्या है? शिखर है, वर्ण है, नगन, नाग, गांधार, विकल्प कौन सा सही होगा? पता है आप लोगों को, अपने दिल की एक बात बताते हैं, मुझे जैसा लगता है ना कि मेरे जितने भी बच्चे जुड़े हैं ना, वो जरूर एक आशा के साथ जुड़े होंगे, और क्या मैं ऐसा करूं या फिर कैसे हो कि इनका सिलेक्शन हो जाना चाहिए। हाँ, मुझे सही में कोई ज़रूरत नहीं, मैं कुछ भी मैं नहीं पढ़ा सकता, मतलब आप लोगों को अगर मैं ना सोचूं ना, मुझे नहीं पढ़ाने की ज़रूरत है, मैं आराम से एकदम अभी तक सो रही होती। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? अगर शायद थोड़ा भी समझ रहे होंगे तो मुझ तक पहुंचने की कोशिश जरूर कर रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। पता नहीं क्यों जैसा लगता है मैं छोड़ के गई तो कुछ लोग तो ऐसे ही बेहोश हो जाएंगे, तो लगता है कि मैं करूं, इतनी हिम्मत मुझ में आपकी वजह से आ जाती है, और आपको अपने फ्यूचर को देख करके भी हिम्मत नहीं आगे बढ़ती है। आपके अपने अंधकार वाले जीवन को एकदम से प्रकाशमय करना है। जॉब नहीं है, आप कहेंगे नहीं मैं तो बढ़िया लाइफ जी रहा हूं, कुछ नहीं जी रहे हैं, अपने दम पे जी करके देखिए, उसको लाइफ कहते हैं, उसको लाइफ कहते हैं। आपकी इंपॉर्टेंस जहां पर होती है, आप गिने जाते हैं, व्यक्तियों में गिने जाते हैं, नहीं तो आप ऐसे बस एक संख्या में गिने जाते हैं। यही बात है, सच्चाई यही है। आप संख्या में गिने जाएंगे तब आपकी एक पहचान होती है, और इतनी बड़ी जिंदगी में 60 साल आप बिता चुके हैं, इतना आप पहचान ही ना बना पाओ भाई। पहचान बनाओ, छोटी ही बनाओ, लेकिन आपकी अपनी पहचान होनी चाहिए। किसी के दम पर नहीं, उनकी पत्नी, उनकी भाई, उनकी बहन, इस ऐसी पहचान नहीं। आपकी क्या पहचान है? आप हो क्या? आप कहेंगे अरे हम उनकी बेटी हैं, वो उनकी वाइफ है, ऐसी वाली नहीं। आपकी सॉलिड पहचान क्या होगी भाई? यहाँ पर देखिए, विकल्प यहाँ पर डी सी हो जाता है, गांधार है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, मुगल चित्रकारी ने किसके शासनकाल में पराकाष्ठा प्राप्त की है? आगे देखिए, विकल्प यहां पर हमारा कौन सा सही होगा? आगे देखिए, मुगल चित्रकारी ने किसके शासनकाल में पराकाष्ठा प्राप्त की थी? चलिए एक बार फिर से स्टार्ट करते हैं जोश के साथ, थोड़ा रिवीजन कंप्लीट करते हैं। जहांगीर। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए, अगला क्वेश्चन है, बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी के प्रवर्तक थे, बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी के प्रवर्तक थे। विकल्प यहां पर हमारा सही हो जाता है, कौन सा सही होगा? सर विलियम जेम्स, विकल्प आपका बी सी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, कराधान के अभिनियमों का प्रवर्तक था, कराधान के अभिनियमों का प्रवर्तक, विकल्प यहां पर हमारा सही हो जाता है बी, एडम स्मिथ है। विकल्प आपका बी सी हो जाता है, एडम स्मिथ। चलिए जल्दी से, जय सिंह गौतम, पहले तो ये बताइए आप कहाँ थे, और पहले ये बताइए दूसरी चीज, कैसे हैं? बढ़िया हैं, उम्मीद करते हैं कि बढ़िया होंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, निम्नोक्त में से किसने अकबर की जीवन कथा लिखी? एक अच्छे स्टूडेंट की कैटेगरी में आप थे और अभी भी हैं। निम्नोक्त में से किसने अकबर की जीवन कथा लिखी? विकल्प यहाँ पर हमारा सही हो जाता है, विकल्प ए, अबुल फजल है। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। शाबाश, बहुत बढ़िया, जबरदस्त। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर, आप लोग मेरी हिम्मत हैं, मेरी हिम्मत बस आप लोग हैं। प्रिजन डायरी किसने लिखी है? अभी आएगा, ये थोड़ा सा रेस्ट करता है। प्रिजन डायरी किसने लिखी है? विकल्प यहाँ पर हमारा सही हो जाता है सी, प्रकाश नारायण। प्रिजन डायरी, विकल्प यहाँ पर हमारा सही हो जाता है सी, जयप्रकाश नारायण। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आप सभी के लिए, अगला क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध छिड़ने का तात्कालिक कारण क्या था? आर्किड्यूक फ्रांसिस फर्डिनेंड की हत्या थी। प्रथम विश्व युद्ध छिड़ने का तात्कालिक कारण क्या था? आर्किड्यूक फ्रांसिस फर्डिनेंड की हत्या थी। अगले क्वेश्चन पर पढ़ेंगे। नेक्स्ट है, अफीम युद्ध किनके बीच लड़े गए थे? तो विकल्प यहाँ पर हमारा कौन सा सही होगा? विकल्प यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन ए, ब्रिटेन और चीन के बीच। ऑप्शन हमारा यहाँ पर ए सही हो जाता है, ब्रिटेन और चीन के बीच लड़े गए थे। अगर हम आगे अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, सन 1829 में सती प्रथा को समाप्त करने में किसका योगदान था? 1829 में सती प्रथा को समाप्त करने में किसका योगदान था? लॉर्ड हेस्टिंग्स, रिपन, वेंटिंग या फिर इरविन। तो 1829 में सती प्रथा को समाप्त करने का योगदान जो था, ये विकल्प आपका सही हो जाता है, वेंटिंग का था। विकल्प सी सही हो जाता है, सती प्रथा, लॉर्ड वेंटिंग। अगला क्वेश्चन है, अगला हमारा क्वेश्चन नेक्स्ट है, कलकत्ता नगर को किस नए नाम की संज्ञा दी गई? कलकत्ता नगर को, विकल्प आपका डी सही हो जाता है, कोलकाता है। बहुत ही आसान सा है, कोलकाता है। ठीक है, कोलकाता है।
विकल्प यहाँ पर हमारा कोलकाता सही होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? ठीक है, मुद्राएं, कांसे के औजार, कपास। विकल्प आपका सी सही हो जाता है, कपास है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, महापाषाण संस्कृति हमें दक्षिण भारत के उस ऐतिहासिक युग से परिचित करवाती है जब महापाषाण काल में उपयोग में लाए जाते थे। कौन से क्या लाए जाते थे उपयोग में? महापाषाण संस्कृति 500 ईसा पूर्व से 100 में हमें दक्षिण भारत के उस ऐतिहासिक युग से परिचित करवाते जब महापाषाण काल में उपयोग में लाए जाते थे। कौन से? पत्थर से बने हुए दैनिक उपयोग की सामग्री, पत्थर से बनी हुई दैनिक उपयोग की सामग्री। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हर्षवर्धन के समय में कौन सा चीनी तीर्थ यात्री भारत आया था? हर्षवर्धन के समय कौन सा चीनी तीर्थ यात्री भारत आया? फायान, इत्सिंग, कनिष्क या फिर वेनसांग। विकल्प आपका डी से हो जाता है, वेनसांग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। बहुत बढ़िया, फटाफट से, शाबाश, जबरदस्त, आज तो दिल खुश कर दिया आप लोगों ने। चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय को किसने पराजित किया था? चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय को किसने पराजित किया था? विकल्प यहां पर हमारा कौन सा सही होगा? चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय को किसने पराजित किया था? चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय को पराजित किसने किया था? चलिए जल्दी से बताइए, पुलकेशिन द्वितीय। बहुत बढ़िया, किधर की तरफ चलूं मैं, कौन सा सही करूं, जल्दी से बताइए। पुलकेशिन द्वितीय, नरसिंह वर्मन प्रथम। विकल्प आपका बी सही होता है, बी की तरफ बढ़ते हैं, नरसिंह वर्मन प्रथम। ठीक है, आगे देखेंगे, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसी इतिहासकारों ने विरोधाभासों का मिश्रण बताया? विरोधाभासों का मिश्रण किसे बताया है? विरोधाभासों का मिश्रण, विकल्प यहां पर हमारा सही हो जाता है, बलबन है, इब्राहिम लोदी है, अलाउद्दीन खिलजी है, मोहम्मद बिन तुगलक है। तो यहां पर इसका सही जवाब हो जाता है, विकल्प डी सही होता है आपका, मोहम्मद बिन तुगलक है इसका सही जवाब। बहुत बढ़िया, शाबाश, क्या बात है। हमारा अगला क्वेश्चन, लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? लोदी वंश का अंतिम शासक आपको बताना है, लोदी वंश का अंतिम शासक। विकल्प आपका कौन सा सही होगा? लोदी वंश का अंतिम शासक, लोदी वंश का अंतिम शासक बहलोल लोदी, इब्राहिम लोदी, दौलत खान लोदी या फिर सिकंदर लोदी। विकल्प हम बी की तरफ बढ़ेंगे, यहां पर हमारा विकल्प बी सही हो जाता है, इब्राहिम लोदी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ेंगे, किस मुगल शासक ने भारत की वनस्पतियों और प्राणी जगत, ऋतुओं और फलों का विशद विवरण अपनी दैनंदिनी यानी कि डायरी में दिया? तो यहाँ पर हमारा विकल्प कौन सा सही होगा? किस मुगल शासक ने भारत की वनस्पतियों और प्राणी जगत, ऋतुओं और फलों का विशद विवरण अपनी दैनंदिनी में दिया, डायरी में दिया? विकल्प यहाँ पर हमारा सही हो जाता है, ये इसका सही जवाब होता है, बी, बाबर है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही आसान सा भी है, ध्यान से देखिए। शेर शाह की महानता का द्योतक क्या है? शेर शाह की महानता का द्योतक, शेर शाह ने प्रशासनिक सुधार बहुत ज्यादा किए थे, शेर शाह के द्वारा प्रशासनिक सुधार किया गया था। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन है, आगे ध्यान से देखिए और रिप्लाई करना है। बहुत बढ़िया, शाबाश, आपके धैर्य की इज्जत करते हैं, आपके धैर्य की दास देते हैं, और आपके जो आपके अंदर का मोटिवेशन है ना, जो मतलब आपके अंदर की दृढ़ इच्छा शक्ति है, उसको प्रणाम करते हैं। आगे देखिए, भारत में निम्नलिखित में से वह कौन सा वन्य जंतु अभयारण्य है जहाँ गैंडों के संरक्षण की परियोजना है? बांदीपुर है, पेरियार है, काजीरंगा गिर है। तो यहाँ पर हमारा विकल्प सही हो जाता है, विकल्प सही हो जाता है हमारा सी है, विकल्प सी सही हो जाता है, काजीरंगा। विकल्प सी हमारा सही होता है, काजीरंगा है। ठीक है, काजीरंगा इसका सही जवाब होगा। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, नेक्स्ट है, माउंट ब्ला निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला की ऊंची चोटी है? माउंट ब्ला निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला की ऊंची चोटी है? माउंट ब्ला निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला की ऊंची चोटी है? एटलस है, रॉकीज है, एंडीज है, आल्प्स है। तो इसका सही जवाब हो जाता है हमारा, विकल्प डी सही हो जाता है, आल्प्स है। विकल्प डी सही होता है, आल्प्स है। अगला है, गंगा में दक्षिणी ओर से मिलने वाली नदी कौन सी? गंगा में दक्षिणी ओर से मिलने वाली नदी कौन सी है? बेतवा है, चंबल है, सोन है, केन है। तो यहां पर हमारा विकल्प सही हो जाता है सी, सोन है। विकल्प सी सही हो जाता है, सोन है। दक्षिणी ओर से मिलने वाली नदियों में ये आपका विकल्प आपका सी सही हो जाता है, सोन है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, साल और सागौन के वृक्ष निम्नलिखित में से किस प्राकृतिक वनस्पति पट्टी में पाए जाते हैं? साल और सागौन के वृक्ष निम्नलिखित में से किस वनस्पति पट्टी में पाए जाते हैं? शीतोष्ण वन है, विषुवतीय वन है, उष्णकटिबंधीय वन है या फिर मिश्रित वन है? ये यहाँ पर साल और सागौन के वृक्ष ये पूछा जा रहा है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की कैटेगरी में आता है, तो ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा विकल्प कौन सा सही होगा? ये उष्णकटिबंधीय वन की कैटेगरी में आता है। ठीक है, चलिए, थके तो नहीं है ना?
रुके या फिर बढ़ते रहें, बढ़ते रहें, तब तक बढ़ते रहें। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए बहुत बढ़िया, अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। देख रहे थे आप लोगों का कमेंट। हमारा अगला क्वेश्चन है, व्यय हिसाब धन का उपयोग किसी उत्पादन कार्य में करने के लिए सरकार ने जो योजना शुरू की वो कौन सी है। विकल्प यहां पर हमारा सही हो जाता है भविष्य निधि आय, विकल्प सी सही हो जाता है। अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे, कोचीन रिफाइनरी निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के अंतर्गत आती है। कोचीन रिफाइनरी निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के अंतर्गत आती है। कोचीन रिफाइनरी निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के अंतर्गत आती है। विकल्प हमारा यहाँ पर ए सही हो जाता है, सार्वजनिक क्षेत्र के। करेक्ट है। भारत में प्राकृतिक रबर का प्रमुख उत्पादन निम्नलिखित में से किस राज्य में होता है। आंध्र प्रदेश में, केरल में, कर्नाटक में या फिर कौन सा सही होगा। बहुत बढ़िया, बढ़ते रहो, लक्ष्य आपके सामने है, लक्ष्य तो दिखते रहना चाहिए ना भाई। चलो उठो जागो और तब तक नहीं रुको जब तक लक्ष्य ना प्राप्त हो जाए। ये कहा था स्वामी विवेकानंद ने, ये कोट मुझे बड़ा इंस्पायर करता था जब हम पढ़ते रहते थे। ठीक है, जब थक जाओ ना थोड़ा सा आराम कर लिया करो, लेकिन कभी हार मत मानना। विकल्प यहां पर हमारा बी सही हो जाता है, केरल है। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए। यहीं तक करवाया था। निम्नलिखित चक्रवात निम्नलिखित में से किस कारण से आता है। चक्रवात निम्नलिखित में से किस कारण से आता है। चक्रवात निम्नलिखित में से किस कारण से आता है। जो उड़ने का शौक रखते हैं ना वो कभी गिरने का खौफ नहीं रखते, वो उड़ते रहते हैं, वो गिरने का उन्हें डर नहीं होता है, कोशिश करते रहते हैं, कोशिश करते रहते हैं। चक्रवात विकल्प यहां पर हमारा ए सही हो जाता है, निम्न दाब होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आप सभी के लिए। बहुत बढ़िया, शाबाश। भारत का वह कौन सा बंदरगाह जिसे मुक्त व्यापार क्षेत्र कहा जाता है, मुक्त व्यापार क्षेत्र कहा जाता है। कोच्चि है, पारादीप है, कांडला है, तूतीगोरिन है। विकल्प यहां पर हमारा कौन सा सही होगा। विकल्प यहां पर हमारा सही हो जाता है, देखिए कांडला है इसका सही जवाब है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किन दो पत्तनों बंदरगाहों से कुद्रेमुख लौह अयस्क का निर्यात किया जाता है। तो यहाँ पर आपको बताना है दो पत्तनों का, ये पत्तन और बंदरगाह एक ही होता है और कुद्रेमुख लौह अयस्क का निर्यात किया जाता है। तो यहाँ पर ये कांडला और मुंबई होता है, मार्मागोवा और मैंगलोर होता है, कोची और तूतीकोरिन होता है, पारादीप और कोलकाता होता है। तो इसके सही जवाब की तरफ हम बढ़ेंगे तो ये इसका सही जवाब हो जाता है कौन सा, मार्मागोवा और मैंगलोर होता है। इधर बी की तरफ बढ़ेंगे ये क्वेश्चन ये हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए, चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, घरान बन होते हैं, घरान बन विकल्प यहां पर हमारा सही हो जाता है, घरान बन विकल्प यहां पर हमारा सही हो जाता है, तटीय दलदल में पाए जाते हैं। घरान बन तटीय दलदल में पाए जाते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है। विश्व की सबसे लंबी नदी, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, विश्व की सबसे लंबी नदी जो है ये विकल्प यहाँ पर हमारा डी से हो जाता है, नील नदी है। विकल्प डी से हो जाता है, नील नदी है। विश्व की सबसे लंबी नदी ये नील नदी है। अगले क्वेश्चन पर पढ़ेंगे, नेक्स्ट है अगला हमारा क्वेश्चन आप सभी के, निम्नलिखित में से चीन की वह कौन सी नदी जिसे पीली नदी येलो रिवर के नाम से जाना जाता है। कौन सी नदी है जिसे पीली नदी के नाम से जाना जाता है। बस ज्यादा कुछ नहीं बचा है, खत्म होने वाला है, वांगवू नदी। आगे अब यहां पर पूछा जा रहा है, अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिए, अभी आ रहा है, पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से वह देश कौन सा जो भारत से छोटा है। भारत से छोटा है, बड़ा पूछा जा रहा क्या है, भारत से छोटा है तो ये अर्जेंटीना है। विकल्प आपका डी से हो जाता है, अर्जेंटीना है। ठीक है, हाँ अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निप्पन जापान को दिया गया नाम है जिसका अर्थ क्या होता है। निप्पन जापान को दिया गया नाम है जिसका अर्थ होता है। विकल्प आपका ए सही हो जाता है, सूर्योदय का देश है। हमें समय से कोई मतलब ही नहीं, समय तो हम देखते ही नहीं है ना, समय देखेंगे तो फिर तो हम 30 मिनट में खत्म करके चले जाते हैं, एक कोटा पूरा करते हैं ना। निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस है, कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस है। हमें तो ये देखना हमारा टारगेट कब मिलता है। विकल्प यहाँ पर हमारा बी सही हो जाता है, समय देख करके पढ़ाई कभी की ही नहीं जाती, हमें बस ये देखना होता है हमारा कितना समय बर्बाद जा रहा है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा है, भारतीय रेलवे का डीजल इंजन लोकोमोटिव वर्क्स निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है। विकल्प यहाँ पर हमारा सी सही हो जाता है, बनारस है। अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से
निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग सभी औद्योगिक गतिविधियों की आधार भूमि और मातृ उद्योग माना जाता है? तो यहाँ पर हमारा विकल्प सही हो जाता है, लोहा और इस्पात उद्योग है। विकल्प आपका सी सही हो जाता है, लोहा और इस्पात उद्योग है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन, अंकलेश्वर किसके लिए जाना जाता है? अंकलेश्वर किसके लिए जाना जाता है? अंकलेश्वर, विकल्प यहाँ पर हमारा सही हो जाता है, डी, तेल के लिए जाना जाता है। अंकलेश्वर किसके लिए जाना जाता है? तो तेल के लिए जाना जाता है। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह कौन सा राज्य है जिसके अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं 3 देशों के साथ लगती है? कौन सा राज्य है जिसके अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं 3 देशों के साथ लगती है? तो यहाँ पर हमारा कौन सा सही होगा? चलिए भाई जल्दी से बताइए, आगे बताइए। पश्चिम बंगाल, सिक्किम है, मिजोरम है, कौन सा सही होगा? त्रिपुरा या तो यहाँ पर हमारा विकल्प ए सही हो जाता है, वेस्ट बंगाल है। ठीक है, ये वेस्ट बंगाल, इधर से अगर आप देखते हैं तो पहली बात तो ये यहाँ पर गवर्नर कौन है, वेस्ट बंगाल के गवर्नर कौन है ये बताइए। तो वेस्ट बंगाल के गवर्नर है जगदीप धनकर है। ठीक है, अच्छा, और चीफ मिनिस्टर कौन है? चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी है। प्राइम मिनिस्टर कौन है? प्राइम मिनिस्टर की अगर बात करते हैं तो चंद्रशेखर। ठीक है, सही है, कुछ गलत तो नहीं है? जल्दी से बताइए जो भी मैंने डिटेल में बताया है। कहाँ गए आप लोग, के कमेंट ही नहीं दिख रहे हैं। चलिए बढ़िया है भाई, बढ़िया है, बढ़िया है, बढ़िया बढ़िया। पीएम कौन है? नी दूध में तो नहीं है ना भाई? चलिए भाई, हम देखिए, हम आपसे पूछ रहे हैं सही लिखा है गलत लिखा, हमको बताना है ना आपको सही या गलत क्या लिखा है। चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी है, गवर्नर जगदीप धनकर है, कैपिटल की अगर हम बात करते हैं तो कैपिटल है कोलकाता है। कोलकाता है कि नहीं है? कोलकाता है ना। चलिए, अच्छा, विक्टोरिया मेमोरियल जो है, विक्टोरिया मेमोरियल ये कहां पर है? विक्टोरिया मेमोरियल कहां पर है? विक्टोरिया मेमोरियल कहां पर है बताइए जल्दी से। विक्टोरिया मेमोरियल ये किसके नदी के किनारे है? रजनी पीएम को लेकर के कंफ्यूज्ड हो गई, ये भगवान भाई। देखिए पीएम जो है, अच्छा लगा, सही है। आई किस नदी के किनारे है? हुगली नदी के किनारे। कौन सी नदी है? हुगली है कि कौन सी नदी है भाई? हमको सब कंफ्यूज्ड हो जा रहे हैं। श्री नरेंद्र दास दामोदर दास मोदी, हाँ चलिए आगे बढ़े। मैम अपनी, हाँ बस खत्म होने वाला है, बहुत जल्दी खत्म होने वाला है, बहुत जल्दी खत्म होने वाला है। तो भाई यहाँ पर क्लास को खत्म करते हैं, लेकिन बस थोड़ा सा एक आध क्वेश्चन और होगा ना। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देख रहे थे भाई, चेक करना तो है ही है ना। अच्छा, हुगली और दामोदर, बहुत बढ़िया। आगे देखिए कौन सा क्वेश्चन है। द यहां पर अगला अभी एक दो क्वेश्चन और है। द ईस्ट इंडिया रेलवे कंपनी की स्थापना निम्नलिखित में से किस ईस्वी सन में हुई थी? आप लोगों को थोड़ा सा मैंने रेस्ट दिया है। ईस्ट इंडिया, ये विकल्प आपका डी से हो जाता है, 1844 है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। गन्ने का मूल उत्पादक देश निम्नलिखित में से कौन सा है? गन्ने का मूल उत्पादक देश निम्नलिखित में से कौन सा है?
तो गन्ने का मूल उत्पादक देश निम्नलिखित में से विकल्प आपका है यहाँ पर सी से हो जाता है, भारत है अपना महान देश, देश महान। भाखड़ा नंगल बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर है? भाखड़ा नंगल बांध निम्नलिखित में से विकल्प यहाँ पर आपका बी से हो जाता है, सतलज है। सही है। संसार में मछली पकड़ने के स्थान वहां पर पाए जाते हैं, कहां पर पाए जाते हैं? संसार में मछली पकड़ने के स्थान कहां पर पाए जाते हैं? विकल्प यहां पर आपका कौन सा सही होगा? मछली पकड़ने के स्थान कहां पर पाया जाता है? उष्ण और शीतल धाराएं जहां पर मिलती हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, यहाँ पर देखते हैं, शायद भारत में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में लोहे और कोयले के भंडार अधिक हैं, सर्वाधिक हैं? तो ये आज के सवाल में आप लोग लिख लीजिए, ये आज के सवाल में आपका ये सवाल रहा, आज का सवाल ये हो गया, और आज का सवाल हम आपको और देने वाले हैं, आज का सवाल, ठीक है, ये हो गया। और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ये अगला क्वेश्चन, ओरल टेस्ट की हिम्मत तो आप में होगी नहीं ना? अरे भाई अभी तो और ये है ना, संविधान वाला तो बचा ही है, कल रिवीजन करवा दें, आज ही करवा दें। ये देखिए, भारत के संविधान के अनुच्छेद 75(3) के अनुसार मंत्री परिषद निम्नलिखित में से किसके प्रति सामूहिक रूप से जिम्मेदार होती है? तो विकल्प यहां पर हमारा कौन सा सही होगा? चलिए जल्दी से बताइए, इसको भी फटाफट से कवर कर लेते हैं। हाँ चलिए, आज जल्दी से बताते, चलिए जल्दी से बताते, चलिए हिम्मत मत हारिए, नहीं तो हम तो वैसे भी थक जाएंगे। विकल्प सी से हो जाता है, लोकसभा। अगला हमारा क्वेश्चन है, साम्यवाद महत्व देता है, साम्यवाद महत्व देता है, तो विकल्प यहाँ पर हमारा सही हो जाता है, सामाजिक समता को महत्व देता है। विकल्प सी से हो जाता है, सामाजिक समता को ये महत्व देता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सामाजिक सामाजिक समता को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य विधानमंडल के अपर हाउस का सृजन या उन्मूलन करने की शक्ति निम्नलिखित में से किस में निहित है? तो विकल्प यहाँ पर हमारा सही हो जाता है, बी, संसद में निहित होती है। विकल्प आपका बी सही हो जाता है, संसद में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी आपात स्थिति है जिसकी घोषणा अभी तक भारत में नहीं की गई? निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी आपात स्थिति है जिसकी घोषणा अभी तक भारत में नहीं की गई है? तो विकल्प आपका डी सही हो जाता है, वित्तीय आपात स्थिति है। किससे संबंधित है? 360 से संबंधित है। वित्तीय आपात स्थिति किससे संबंधित है? वित्तीय आपात स्थिति किससे संबंधित है? चलिए जल्दी से बताइए, वित्तीय आपात की स्थिति किससे संबंधित है? आप लोग रिप्लाई किए, ठीक है, 360 है वित्तीय। देखिए यहां पर 42वां जो संविधान संशोधन है, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के अनुसार 352 में संशोधन करके ये स्पष्ट किया गया था, आपात जो है वो मतलब देश में किसी भी भाग पर किया जा सकता है सीमित तरीके से, यदि संपूर्ण भारत में लागू हो तो उसे किसी एक भाग से हटाया भी जा सकता है जहां पर स्थिति सामान्य हो गई हो। ये मतलब एक आपको मैंने एक वो बताया कि कभी क्वेश्चन में पूछा गया था, ऐसी स्थिति में क्या होता है कि हटाया जा सकता है कि नहीं हटाया जा सकता, कुछ उससे रिलेटेड मैंने क्वेश्चन आपको बताया है। वैसे आपात कौन कौन से आपात होते हैं, कौन कौन से आपात होते हैं? एक तो वित्तीय आपात हो गया, और तीन होता है कि दो होता है? अच्छा ये बताइए, वित्तीय आपात कितनी बार लगा था? वित्तीय आपात 352 के तहत तो आपातकाल की घोषणा की जाती है। अब हमको लग रहा है ना आप लोग थक चुके हैं, ठीक है। अच्छा ये बताइए, राष्ट्रीय आपात कितनी बार लगा था भारत में अब तक? राष्ट्रीय आपात जो है, राष्ट्रीय आपात कितनी बार लगा है? राष्ट्रीय आपात कितनी बार लगा है? राष्ट्रीय आपात कितनी बार लगा है आपको बताना है, जल्दी से बताइए, राष्ट्रीय आपात कितनी बार लगा है? राष्ट्रीय आपात की संख्या 3 बार लगा है, कितनी बार लगा है? आप लोग जल्दी से बताइए। चलिए एक और क्वेश्चन आपसे पूछना है, यहां पर मैं आप लोगों की ना रिप्लाई दिख नहीं रहा। आपातकाल का सिद्धांत किस देश से लिया गया? आपातकाल का सिद्धांत किस देश से लिया गया है? आपातकाल का जो सिद्धांत है वो कहाँ से लिया गया है? आपातकाल का सिद्धांत ये जर्मनी से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? जर्मनी से लिया गया है, और ये संविधान के भाग 18 में है। ये कहाँ पर है? संविधान के भाग 18 में है ये, ठीक है। हाँ 3 बार हमने राष्ट्रीय आपात पूछा था, और हाँ राष्ट्रीय आपात पूछा था, तो ये हो जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हमारा, देखते हैं और कोई क्वेश्चन कितना बचा है। निम्नलिखित में से किस स्थिति में बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी की जाती है? तो विकल्प यहाँ पर हमारा सही हो जाता है, ये
दोषपूर्ण पुलिस नजरबंदी में, ये सही हो जाता, अब आगे हमने शायद नहीं करवाया था। अच्छा, ये भी करवाया था, लोकसभा के अध्यक्ष को किसमें मत देने का अधिकार है, लोकसभा के अध्यक्ष को किसमें मत देने का अधिकार है, केवल टाई पढ़ने पर मत देने का अधिकार है, विकल्प आपका बी सही हो जाता है, केवल टाई पढ़ने पर मत देने का अधिकार है, राइट। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन हमने करवाया है कि नहीं करवाया है, आगे देख लीजिए, आगे देख लेते हैं, रुकिए वेट कर लीजिए। तो अब यहाँ पर आज का सवाल ये नोट कर लीजिएगा, ये आपको मैंने नहीं करवाया है। आज का सवाल है संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है, और दूसरा क्वेश्चन हम आपसे पूछते हैं, दूसरा क्वेश्चन 1947 में भारत का वायसराय कौन था, 1947 में भारत का वायसराय कौन था, ये आपको बताना है। और आपको बताना है नीति आयोग की स्थापना कब हुई, तीसरा क्वेश्चन है, नीति आयोग की स्थापना कब हुई है, ये तीसरा क्वेश्चन है, ठीक है। और साथ ही साथ में अगला क्वेश्चन है, चलिए आप लोग ओरल के लिए तैयार हैं कि नहीं, ओरल टेस्ट के लिए तैयार हैं कि नहीं तैयार हैं, ओरल टेस्ट के लिए, अगर ओरल टेस्ट के लिए तैयार हैं तो आप जल्दी से बताइए, हम आगे एक क्वेश्चन कंटिन्यू करते हैं, ओरल टेस्ट फटाफट से करवा देते हैं, ब्लैंक पेज खोलते हैं, ओरल टेस्ट फटाफट से, चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। ओरल टेस्ट है, भारतीय इतिहास का स्वर्णकाल किसे कहा जाता है, भारतीय इतिहास का स्वर्णकाल किसे कहा जाता है, चलिए बहुत बढ़िया, फटाफट से रिप्लाई करते रहिए, भारतीय इतिहास का स्वर्णकाल, भारतीय इतिहास का स्वर्णकाल किसे कहा जाता है, भारतीय इतिहास का स्वर्णकाल किसे कहा जाता है, तो विकल्प यहाँ पर हमारा कौन सा सही होगा, भारतीय इतिहास का स्वर्णकाल, स्वर्णकाल किसे कहा जाता है, भारतीय इतिहास का स्वर्णकाल किसे कहा जाता है, भारतीय इतिहास का स्वर्णकाल किसे कहा जाता है, तो विकल्प यहाँ पर हमारा सही है कौन सा, बिल्कुल सही जवाब है, गुप्तकाल को कहा जाता है, किसे कहा जाता है, गुप्तकाल को कहा जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, हमारा अगला क्वेश्चन है, थक गए हैं, लद्दाख में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है, लद्दाख में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है, लद्दाख में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है, पहला अगर हम आपको विकल्प देते हैं, हमको विकल्प ही नहीं याद आ, चलिए लोसर का त्यौहार है, लोसर का त्यौहार जो नववर्ष पर मनाया जाता है, दूसरा है बिहू का त्यौहार है, तीसरा है आपका, तीसरा है हमारा कौन सा त्यौहार है, लोसर को लेजर हो गया, लोसर है इसका सही जवाब है, ठीक है, लोसर इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, देखिए आपको बताते हैं पहल योजना क्या है, पहल योजना किससे संबंधित है, पहल योजना किससे संबंधित, पहल योजना किससे संबंधित है, पहल योजना का संबंध किससे है, रसोई गैस की सब्सिडी योजना के लिए पहला है, और बालिकाओं की शिक्षा के लिए, महिलाओं के आत्मसम्मान के लिए, चौथा है बेरोजगारों के लिए, आगे बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा, ठीक है। चलिए भाई विकल्प यहाँ पर हमारा जो सही होता है वो हम आपको बताते चलते हैं, जो पहल योजना है रसोई गैस की सब्सिडी के लिए योजना है, ये 15 नवंबर 2014 को स्टार्ट की गई थी, 15 नवंबर 2014 को स्टार्ट की गई थी पहल योजना, ठीक है, पहल योजना ये 15 नवंबर 2014 को स्टार्ट की गई थी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, हमारा अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए, स्पीड आप लोगों की स्लो हो रही है, और यहाँ पर आप देखिए मन्नार की खाड़ी किस राज्य में, मन्नार की खाड़ी किस राज्य में, मन्नार की खाड़ी किस राज्य में है, मन्नार की खाड़ी किस राज्य में है, तो विकल्प आपका कौन सा सही होगा, मन्नार की खाड़ी बिल्कुल सही जवाब होता है तमिलनाडु में। अच्छा, हमारा संविधान कब लागू हुआ था, जल्दी से बताइए हमारा संविधान कब लागू हुआ था, तो ये 26 जनवरी या 26 नवंबर, और लास्ट में जोड़ी 1950, कौन सा विकल्प सही होगा, 26 जनवरी या फिर 26 नवंबर 1950, विकल्प कौन सा सही होगा, तो यहाँ पर हमारा विकल्प सही हो जाता है 26 जनवरी 1950, संविधान लागू मैंने पूछा है, लागू कब हुआ था, 26 जनवरी 1950 इसका सही जवाब होगा, ठीक है। और आपको बताना है रुद्रदामन, रुद्रदामन किस, रुद्रदामन
रुद्रदामन, रुद्रदामन किस वंश के शासक थे, किस वंश के शासक थे रुद्रदामन किस वंश के शासक थे? तो आपको बताना है गुप्त वंश है और मौर्य वंश है, काकतीय वंश है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? काकतीय वंश, इसका सही जवाब होगा काकतीय वंश। अच्छा, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, ये आपको बताना है। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, 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 किसके द्वारा दिया जाता है राष्ट्रपति को शपथ? तो यहाँ पर हमारा विकल्प अगर हम बताते हैं आपको, उपराष्ट्रपति और सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं या सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं, तो हाँ बिल्कुल सही, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा इनको मतलब शपथ दिलाई जाती है। आगे हम बढ़ेंगे नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आप सभी के लिए, यहाँ पर कौन सा क्वेश्चन पूछे, चलिए प्लासी का युद्ध आप बता दीजिए, प्लासी का युद्ध। और दूसरा क्वेश्चन, हर्षचरित किसने लिखी थी, प्लासी का युद्ध कब हुआ था, प्लासी का युद्ध और साथ ही साथ में हर्षचरित किसने लिखी थी, प्लासी का युद्ध कब हुआ था और हर्षचरित किसने लिखी थी, प्लासी का युद्ध हुआ था कब, 1757 या फिर 1857 में? तो यहाँ पर आप बताना है 1757, लेकिन अगर हम इसके सही डेट की बात करते हैं 23 जून 1757 को हुआ था। हर्षचरित किसने लिखी थी, तो हर्षचरित लिखी थी बाणभट्ट ने, हर्षचरित किसने लिखी थी, बाणभट्ट ने लिखी थी, ठीक है, हर्षचरित बाणभट्ट ने लिखी थी। आगे हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है ढोल नृत्य पूछा जाता है, ढोल नृत्य, ढोल नृत्य ये कहाँ से संबंधित है, ढोल नृत्य कहाँ से संबंधित है, ढोल नृत्य आपको बताना है, ढोल नृत्य राजस्थान है, गुजरात है, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, विकल्प आपका कौन सा सही होगा, विकल्प आपका कौन सा सही होगा? चलिए ढोल नृत्य यहाँ पर संबंधित है, तो आपका उत्तर सही हो जाएगा, ढोल नृत्य संबंधित है, ढोल नृत्य ये संबंधित है राजस्थान से संबंधित है, किससे संबंधित है, राजस्थान से संबंधित है, राइट। चलिए भाई यहाँ तक हो गया, अब क्या बच्चों वाले क्वेश्चन पूछ रहे हैं, वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ढोल नृत्य पता है कि राजस्थान में था। अरे भाई जब सारे टफ होंगे तो कुछ इजी क्वेश्चंस भी होंगे, हम जान लेंगे क्या आप लोग? ये बहुत ही बढ़िया रिप्लाई थी परमवीर, थैंक यू, चलिए बहुत बढ़िया, शाबाश। हाँ, तरल अवस्था में कौन सी धातु होती है, तरल अवस्था, तरल अवस्था में, तरल अवस्था में आपको पता है चेहरा जैसे गर्म हो जाता है पूरा, तरल अवस्था में कौन सी धातु होती है, तरल अवस्था में पारा है, पारा है, सोना है, चांदी है, कौन सा सही होगा? अगला क्वेश्चन, यहाँ पर हमारा सही जवाब हो जाएगा पारा है। अच्छा ये अगला बताइए, धूपगढ़ चोटी, धूपगढ़ जो चोटी है, धूपगढ़ चोटी, धूपगढ़ चोटी ये धूपगढ़ चोटी किस पर्वतमाला की चोटी है, धूपगढ़ चोटी किस पर्वतमाला की चोटी है, किस पर्वतमाला की चोटी है, किस पर्वतमाला की चोटी है, ये किस पर्वतमाला की चोटी है, धूपगढ़ चोटी किस पर्वतमाला की चोटी है? ये क्या मैम टीजीटी का एसएसटी देखना बहुत टफ आया था। अच्छा ये देखिए आप कहाँ पर है, धूपगढ़ चोटी, ये धूपगढ़ चोटी ये सतपुड़ा की है ना, सतपुड़ा पर्वतमाला की है, सतपुड़ा पर्वतमाला की है ये धूपगढ़ की चोटी है, ठीक है, ये सतपुड़ा पर्वतमाला की है, कहाँ की है ये, सतपुड़ा पर्वतमाला की है। आगे बढ़ते नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, अच्छा चलिए एक क्वेश्चन पूछते हैं क्रिकेट से रिलेटेड, आईसीसी मेंस टेस्ट प्लेयर ऑफ द डिकेड अवार्ड 2020 का किसे दिया गया था, आईसीसी, आईसीसी मेंस टेस्ट प्लेयर ऑफ द डिकेड अवार्ड, आईसीसी मेंस मेंस टेस्ट टेस्ट प्लेयर ऑफ द डिकेड अवार्ड 2020 किसे दिया गया था, 2020 का किसे दिया गया था, 2020 किसे दिया गया था? बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, ये रिप्लाई आ चुकी है, देखिए यहाँ पर नई नई रिप्लाई आ चुकी है, प्रतिमा कुमारी बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, स्टीव प्रवीण गुप्ता शाबाश, ये दिया गया था स्टीव स्मिथ को दिया गया था, किसे दिया गया था, स्मिथ को दिया गया था, स्मिथ को दिया गया था, स्टीव स्मिथ को दिया गया था, इसका सही जवाब होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, विजयनगर राज्य का संस्थापक कौन था, विजयनगर राज्य का संस्थापक, विजयनगर राज्य का संस्थापक, विजयनगर राज्य का संस्थापक, विजयनगर राज्य का संस्थापक कौन था, विजयनगर राज्य का संस्थापक आपको बताना है, साथ ही साथ ये आपको बताना है, और हम अगला बताएंगे विजयनगर साम्राज्य कहाँ था, विजयनगर साम्राज्य था कहाँ पर,
तो ये था कर्नाटक, कर्नाटक में जगह का नाम है हम्पी, ठीक है। इसका संस्थापक कौन था? चलिए हरिहर बुक्का हो जाते हैं, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन हमारा है, अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिए। थकना नहीं है भाई, थकना नहीं है, शाबाश, आपकी हिम्मत की दास देते हैं। अच्छा, महाकुंभ जो 2021 है वो कहाँ पर होने वाला है, कहाँ पर होगा? 2021 का महाकुंभ कहाँ पर होगा? 2021 का महाकुंभ कहाँ पर होगा, किसी को पता है? टिकट विकट बुक करवाने की प्लान बना रहे हैं, इसीलिए सोच रहे हैं। नहीं, रोना नहीं है, रोना नहीं, रोना नहीं है। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में दक्षिण में विजयनगर और बहमनी राज्य की स्थापना हुई थी। बहुत बढ़िया, सही बात। आगे देखिए, हरिद्वार में होगी। चलिए, हरिद्वार में कौन कौन चलेगा? डुबकी लगा के वहीं पर निपट लिए, निपट लेंगे ऊपर ही। रोज रोज के क्वेश्चन, हरिहर बुक्का, बहमनी, काकती है, हाँ ये सब पढ़ पढ़ के ऊब चुके हैं। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है। अच्छा, आंखों का रोग जो होता है रतौंधी, किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन ए होता है, बी होता है, सी होता है, के होता है, कौन सा सही होगा? आँख की रोशनी जा रही है धीरे धीरे। अच्छा, अभिषेक चलेंगे। चलिए भाई, दुख रहा है क्या? दुख रहा है, सर दुख रहा है या फिर फेफड़ा? विकल्प यहाँ पर हमारा सही हो जाता, विटामिन ए सही होगा, बड़ा छोटा सा क्वेश्चन है। अच्छा, सबसे सोडा वाटर, सोडा वाटर आप सभी जानते हो ना, सोडा वाटर बताने की जरूरत है यार। सोडा वाटर में, सोडा वाटर में कौन सी गैस उपयोग की जाती है? सोडा वाटर में कौन सी गैस उपयोग की जाती है? कौन सी गैस उपयोग की जाती है सोडा वाटर में? आपको बताना है सोडा वाटर में कौन सी गैस उपयोग की जाती है। सल्फर डाइऑक्साइड है, H2O है, मीथेन है, और साथ ही साथ में कार्बन डाइऑक्साइड है। तो इसका सही जवाब हो जाता है, प्रियंका की रिप्लाई आ जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड है। बहुत बढ़िया, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फटाफट से। हम लोग यहाँ पर कवर कर रहे हैं, हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ पर मनाया जाता है? हॉर्नबिल फेस्टिवल, हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ पर मनाया जाता है? मिजोरम है, मिजोरम है, असम है, सिक्किम है, नागालैंड है, निकल कौन सा सही होगा? हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ पर मनाया जाता है? चलिए भाई, शाबाश, फटाफट से। हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ पर मनाया जाता है? हॉर्नबिल मनाया जाता है, यहाँ पर आपका उत्तर सही हो जाएगा, नागालैंड। कौन रो रहा है भाई? एक आगे चलते हैं, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन। राम भाई भी चलेंगे, चलिए चलिए सब चलिए इकट्ठे, चलिए इकट्ठे ग्रुप में डुबकी लगाकर स्वाहा हो जाया जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, देखिए भाई थकना नहीं, हम सही बता रहे हैं, हम थकना नहीं, हम ऐसा ना कंटाव लगाएंगे आगे। बाबर और इब्राहिम लोधी का युद्ध कहाँ पर हुआ था? अब हम वो युद्ध का नाम नहीं बताएंगे, बाबर और इब्राहिम लोधी का नाम बताना है। बाबर और इब्राहिम लोधी का, भाई देखिए, बाबर और इब्राहिम लोधी का युद्ध कहाँ पर हुआ था आपको बताना, फटाफट से जल्दी से बताइए। बाबर और इब्राहिम लोधी का युद्ध कहाँ हुआ था? हरियाणा में, राजस्थान में, गुजरात में, या फिर कहाँ पर हुआ था? तो बिल्कुल सही जवाब है, हरियाणा के पानीपत में हुआ था, पानीपत में हुआ था, ठीक है। अच्छा, पहला पोखरण परमाणु परीक्षण कब हुआ था? पहला पोखरण परमाणु परीक्षण कब हुआ था? और इसका कुछ कोड वगैरह भी तो था ना, तो आगे बढ़िए। हाँ, 21 अप्रैल 1526 को हुआ था, 21 अप्रैल 1526 इसका सही जवाब है, 21 अप्रैल या अप्रैल 1526 इसका सही जवाब है। अब ये बताइए, पहला परमाणु पोखरण कब हुआ था? 1794, 1974, 1985 या फिर 1947, कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? सो के जग गए, क्या बात है, 1 बजे कौन जगता है भाई। यहाँ पर हमारा विकल्प सही हो जाता है, 1974। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, नेक्स्ट है। हाँ, मताधिकार किस अनुच्छेद से प्राप्त है? मताधिकार किस अनुच्छेद से प्राप्त है? अनुच्छेद 325 व 26, 327 व 28, या 336, 37। मताधिकार किससे प्राप्त है आपको बताना है, कौन सा अनुच्छेद होगा इसका सही? मताधिकार किस अनुच्छेद से प्राप्त है? बहुत बढ़िया, शाबाश, मताधिकार किस अनुच्छेद से प्राप्त है? तो विकल्प यहां पर हमारा 325 व 326 सही हो जाता है। मैं भूगोल साइंस के प्रश्न ज्यादा दीजिए तैयार नहीं, बिल्कुल सही, बल कल से देंगे और, ठीक है। नहीं, हमारा अम्मा नहीं डांट रहे, हमारा अम्मा सो रही है। तो ये दुनिया का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा? बहुत आसान सा क्वेश्चन, आप लोगों की एनर्जी थोड़ी सी आ जाती है। मैम फिजिक्स केमिस्ट्री, ठीक है अंकिता, बिल्कुल सही, बिल्कुल करवाएंगे। तो यहाँ पर आप बताइए, दुनिया का सबसे बड़ा जलप्रपात
ये आप सभी लोग बता ले जाएंगे। और विश्व की सबसे लंबी नदी, अभी मैंने आपको पूछा था तो आपने बताया था नील नदी, तो 6,650 किलोमीटर इसकी है लंबाई। ठीक है। अच्छा, OECD का मुख्यालय कहाँ पर है? OECD का मुख्यालय कहाँ पर है? चलिए बताइए, OECD का जो मैंने सबसे बड़ा जलप्रपात पूछा था ना, वो है एंजल जलप्रपात, कहाँ पर है? वेनेजुएला में। OECD का मुख्यालय कहाँ पर है? उससे पहले आपको ये बताना है OECD है कहाँ, मतलब इसका फुल फॉर्म कहाँ पर है? OECD ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट इसका फुल फॉर्म होता है। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? OECD का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? OECD का हेडक्वार्टर है फ्रांस के पेरिस में। कहाँ पर है? फ्रांस के पेरिस में है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर? फ्रांस के पेरिस में है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आप सभी का फ्रीडम, दूसरा क्वेश्चन पूछेंगे। प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस बाहर निकलती है? जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है ना, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में कौन सी गैस बाहर निकलती है? फोटोसिंथेसिस में कौन सी गैस बाहर निकलती है? ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है और नाइट्रस ऑक्साइड है। कौन सा विकल्प सही होगा? तो इसमें कौन सी गैस बाहर निकलती है? ऑक्सीजन। बहुत बढ़िया, ऑक्सीजन बाहर निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड ली जाती है और हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं वो ये रेस्पिरेशन में। तो कार्बन डाइऑक्साइड ये लोग भी, पेड़ पौधे भी श्वसन की प्रक्रिया में छोड़ते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं। मतलब श्वसन की प्रक्रिया में गैस लेने वाला और निकालने वाला दोनों प्रोसेस सेम है, हमारा भी और पौधों का भी। ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, लेकिन ये फोटोसिंथेसिस में वही कार्बन डाइऑक्साइड ले करके ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं, फिर वही हम भी लेते हैं, ये भी लेते हैं। इसीलिए कहा जाता है ना, पेड़ पौधे ज़्यादा से ज़्यादा लगाइए जिससे कि ये साइकिल मेंटेन रहे। आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान कितने दिन में बनकर के तैयार हुआ था? भारतीय संविधान कितने दिन में बनकर के तैयार हुआ था? तो भारतीय संविधान कितने दिन में बनकर के तैयार हुआ था? 2 साल 11 महीने और कितने दिन? 8 दिन या 18 दिन या 28 दिन? 2 साल 11 महीने, 8 दिन, 18 दिन, कौन सा सही होगा विकल्प? तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा आज का। और फिर आज के सवाल में हम आपसे पूछेंगे, आज का सवाल आप सभी के लिए, आज का सवाल दोनों से रिलेटेड, देखिए ओरल और इधर भी आज का सवाल है, सैनिक विद्रोह कब हुआ था? ये आपको बताना है। और ये एक बुक का नाम आपको बता रहे हैं, आ पैसेज, कल हम आपको बता देंगे इसको, यहीं से शुरू कर देंगे, आप याद दिलाइएगा बस। अ पैसेज टू इंडिया इस पुस्तक के लेखक कौन है? ये अ पैसेज टू इंडिया इस पुस्तक के लेखक कौन है? दो क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा, आप दोनों की रिप्लाई करेंगे कॉमेंट सेक्शन में। इसी के साथ ही आज की क्लास कंप्लीट होती है। आपको कैसी लगी, हमेशा की तरह अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा और मिलेंगे फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में। मॉर्निंग में 9 बजे की क्लास आप लोग जरूर देखिएगा, हमने योजना तैयार की है, योजना से रिलेटेड आपको क्वेश्चन प्रोवाइड किया है। मैंने एक चीज़ सोची, आपको यहाँ पर बता देते हैं, करंट से रिलेटेड मैंने एक चीज़ सोची है। क्या सोची है? देखिए, जैसे मैंने ये सोचा कि जो योजनाएं और परियोजनाएं हम ये कवर करवाएंगे, जानते हैं ये, इसको मतलब 2-3 वीडियो में कवर करवाएंगे, तो जो इम्पोर्टेंट है वो कवर हो जाएंगी साथ साथ में। फिर योजना परियोजना हो गया, फिर महत्वपूर्ण जो बैठकें हैं वो, सम्मेलन, दिवस, खेल से रिलेटेड और मतलब कुछ इसी तरीके से चीज़ें टॉपिक करके वो हम कवर करवाएंगे। करंट ऐसे लेकर के चलेंगे जहां से आपके एग्जाम में आने के चांसेस भी अच्छे खासे होंगे। ठीक है, तो ये 9 बजे वाली क्लास आप लोग जरूर देखिएगा, करंट वाली क्लास है। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को ख़त्म करते हैं। मैम आप इतना क्या खाते हो? अरे कहाँ गया, उड़ गया, कमेंट में उड़ गया। एक मिनट, पता है कुछ खाया हुआ तो नहीं जाता, लेकिन ना एक एनर्जी का, जैसे मतलब ये होता है कि जब आपके मन में ना कुछ अलग चीज़ होती है, जैसे एक टारगेट वाली चीज़ें होती ना, तो वो बड़ी एनर्जी आ जाती है, अपने आप से आ जाती है बहुत। मैम हाँ, हम रुके, थैंक यू सो मच, गुड नाइट। उधर चाहिए, रिकॉर्डेड क्लास है मैम, ऑन करके सो गई अतुल। नहीं, यहाँ तो प्रेजेंट है, ये पढ़ भी तो रहे हैं, ये रिकॉर्डेड क्लास है मैम, ऑन करके सो गई है। नहीं, अब क्या बताएं, टाइम बहुत हो गया। देवश नहीं बता सकते, नेहरू है ना मैम इसके? नहीं, ये फॉरेनर कोई है। तो 1 बजने में जैसा लग रहा है कृष्ण भगवान का जन्म होने वाला है। 2 घंटा और पढ़ा सकते हैं, बस पढ़ा सकते हैं, एक आध कप कॉफ़ी और मिल जाएगी ना, बस पढ़ा देंगे।
एनर्जी ना आप लोगों का फ्यूचर दिखता है, बस इसी वजह से आती है, और कोई ऐसा कुछ नहीं है। आपके पुराने वीडियो हिंदी एसएसटी साइंस क्या ये भी देखते हैं। हाँ बिल्कुल, पुराने वीडियो सुधीर सिंह, पुराने वीडियो तो और जानदार हैं, पुराने वीडियो तो और भी बढ़िया हैं, वो सभी आपके टोटली एससीईआरटी और एनसीईआरटी से हैं। हमारे चैनल पर आपको एससीईआरटी और एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। तो आप लोग अगर कुछ इस क्लास में चेंजेस चाहते तो आप लोग जरूर बताइएगा, हम पूरी कोशिश करेंगे आप लोगों को अच्छे अच्छे और कॉन्टेंट प्रोवाइड कराने की, ठीक है। सुनो मैम, मेरा नाम ले लो, देवेश वर्मा। अच्छा ठीक है, सबका नाम ले लिया, अंश का ले लिया, यादव, ब्रजेंद्र कुमार, सुधीर सिंह, अतुल पंडित जी, पुष्पा यादव, काजू पांडे, थैंक यू मैम सुपर सेशन, सुबोध, प्रतिमा, सूची, प्रियंका, नीरज, रॉकी, एंड्रिया, राजशेखर, ब्लॉगरागिनी, और बहुत सारे, प्रतिभा, पुष्पा, राजशेखर, नाम रिपीट भी हो रहे हैं, अंकिता है, राम वर्मा, और क्या नाम है, अकृतन, ये मैंने अगर गलत लिया हो तो आप बता दीजिएगा, अल्पना, और अल्पना कल्पना दोनों है, और बहुत, चलिए मनु, और स्वीटी, अमृतांश त्रिपाठी, तनु सक्सेना, दुर्गेश, बहुत बढ़िया, काजल कुशवाहा, अलका, और बहुत सारे नाम हैं, निरोत्तम, सविता, इसा, एंड टीटी मैथ सिंह, परमवीर, और अब्दुल खालिक सैफी। तो बहुत सारे नाम मैंने ले लिए, किसी का नाम छुटा होगा तो मैंने कोशिश की है, और सभी का बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। आप सभी के धैर्य की दास देते हैं, तारीफ करते हैं, प्रशंसा करते हैं, सत सत नमन करते हैं। तो हमारी क्लासेस आपको ऐसे ही आगे मिलती रहेंगी, और फिर अगर आप थोड़े से और भी एनर्जेटिक मिलेंगे ना, तो हमें आप 1-2 बजे रात में भी देख सकते हैं, सुन सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं फिर इसी के साथ ही 9 बजे। आप लोग एकदम से ज़ोरदार तरीके से वहाँ पर भी क्लास बुक कीजिएगा, योजनाओं से रिलेटेड है। मिलते हैं फिर 9 बजे, तब तक ले गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम। अगर आपको कुछ पूछना है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, चले जाएँ हम। माही सिंह राजपूत, नीरज सिंह यादव, ब्रजेंद्र जूनियर के लिए मैराथन क्लास ले लीजिए प्लीज़। ये मैराथन ही चल रही है बच्चे, यादव, ब्रजेंद्र, ये मैराथन ही तो ढाई घंटे से मैराथन चल रही है। 2.5 घंटे की मैराथन में अकेले मैंने कवर किया है, 2.5 घंटे की मैराथन मैंने अकेले कवर किया है, कोई 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 टीचर चेंज नहीं हो रहा, 2.5 घंटे की मैराथन मैंने अकेले ही कराई है। हाँ हाँ, बाद में मैंने देखा, माही सिंह राजपूत मैंने ले लिया नाम, वो मेरा ना नेट पता नहीं स्क्रॉल नहीं हो रहा था, मैसेजेस इसको इस कॉल नहीं हो रहा था, अभी मत जाइए। अच्छा ठीक है, नहीं जा रहे हैं। नाम ना लो, ये बता दो, हिंदी नहीं कराओगे जूनियर के लिए। मनु एक बात आपको सजेस्ट करती हूँ, हमारे जो चैनल में पुरानी वीडियोस है ना हिंदी, पहले वो कवर कर लीजिए। हिंदी साहित्य वोहित की बड़ी एकदम से एडवांस वाली है, उसमें से ना जेएनयू वगैरह में भी क्वेश्चन फंसे हैं, तो जो साहित्य की पुरानी वीडियोज़ हैं वो देख लीजिए, बड़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। साइंस की मैम आपकी क्लास में आते हैं, आपकी आवाज़ सुनने बस हैं, पढ़ लिया करिए, आवाज़ आवाज़ तो कुछ नहीं, आवाज़ वगैरह भ्रम है खाली बस। चलिए आप चलते ना, एक बार आप क्लास बताइए, आपकी क्लास में आते हैं आपकी, ये तो मैम इम्पोर्टेंट, आर्टिकल ठीक है मैम, मेरा नाम ले लिया करिए। अनय कौशल, अच्छा साइंस प्लेलिस्ट बना, अच्छा ठीक है ठीक, प्लीज़ साइंस की मैराथन, ठीक है साइंस की मैराथन हमने माइंड में बैठा लिया, साइंस की मैराथन होगी। बीमार, अच्छा बीमार हो जाएंगे ऋतु, अच्छा ठीक है हम जा रहे हैं ना, हम जा रहे हैं। मैम आपके पिक में कमेंट किए हैं, आप लाइक नहीं किया। मतलब अतुल को ये, अच्छा ब्लॉग वाले पे होगा, ठीक है अभी अभी नहीं, तो अगर मान लीजिए अभी लेट होगा, सुबह हम लाइक करके उठने के बाद लाइक कर देंगे, कल मतलब दिन में कर देंगे, ठीक है। अच्छा ये प्यारी सी शिकायत थी, अच्छा ठीक है, सो स्वीट, कल कर देंगे ना, कल करेंगे, पक्का करेंगे। तो बहुत क्यूट क्यूट से मैसेज कर रहे हैं अतुल, क्या बात है भाई। नहीं अतुल के मैसेज बड़े क्यूट क्यूट आ रहे हैं, क्या बात है, है? पंडित जी चलिए मिलते हैं ना फिर। परमवीर किसको दवा दे रहे हो आप,
दवा बताने से ही ज्यादा लोग ठीक हो जाएंगे वैसे भी। जवाब थोड़ा सा पढ़ नहीं पाया। ठीक है मनु, ठीक है, बढ़िया है। नाम बेशक न ले, साइंस की मैराथन क्लास दे प्लीज। बहुत बढ़िया, ऐसे ही बच्चे तो चाहिए। बहुत बढ़िया, साइंस की मैराथन क्लास आपको देंगे, जिस दिन देंगे ना बताएंगे। और आपके प्रेजेंस एकदम से ताबड़तोड़ होनी चाहिए साइंस की मैराथन में। ये मत सोचिएगा खाली साइंस वालों के लिए, आपके फर्स्ट पेपर के लिए बड़ा तगड़ा क्वेश्चन होगा वो। ठीक है, चलिए मिलते हैं भाई, तब तक लिए गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, द बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, जोरदार जबरदस्त जिंदाबाद क्लास बनाने के लिए। लगे रही, सफलता तो मिलेगी मिलेगी कैसे भी।